गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. सो हेलो एवरीवन. आई होप सभी ने कॉन्सेप्ट क्लास वेक्टर की देख ली होगी और आई होप सभी को कॉन्सेप्ट क्लास वेक्टर की पसंद आई होगी. तो कैसी रही कॉन्सेप्ट क्लास वेक्टर की, प्लीज लेट मी नो. कमेंट करिए कैसी रही आपकी वेक्टर की कॉन्सेप्ट क्लास, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल थी. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक प्रॉब्लम्स एंड सम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वेक्टर. ओके, वेक्टर अलजेब्रा के आज हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चन और उससे थोड़े से और अच्छे क्वेश्चंस देखना चाहेंगे. ओके, हैंड रेज. गुड इवनिंग सर. ओके, नचिकेत. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ओके, निदा. वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ओके, चलिए सेशन को शुरू करते हैं. ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉइंट फ्रॉम अ वेक्टर स्टार्ट इज कॉल्ड डैश एंड वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड इट्स. ओके, यू हैव टू नेम दैट टू पॉइंट्स फ्रॉम वेक्टर स्टार्ट्स एंड फ्रॉम वेक्टर एंड्स. ओके, इट वॉज कंसाइज एंड ग्रेट. थैंक यू नचिकेत. ऑसम सर. थैंक यू प्रियांशु. ओके, नाउ लुक एट द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज अ पॉइंट फ्रॉम अ वेक्टर स्टार्ट्स इज कॉल्ड डैश एंड वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड इज. सो बेसिकली अ पॉइंट वेयर वेक्टर स्टार्ट्स इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट. इज कॉल्ड इनिशियल पॉइंट एंड वेयर इट एंड्स इज कॉल्ड टर्मिनल पॉइंट्स, नॉट एंड पॉइंट. वेक्टर में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, टर्मिनल पॉइंट होता है और इनिशियल पॉइंट होता है. सो ऑप्शन बी इज राइट. ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था आपका. ओके, इट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ वेक्टर. डेफिनेशन ऑफ वेक्टर. ओके, ऑप्शन बी इज राइट. ऑप्शन बी इज राइट. ओके, नाउ ऑप्शन बी इज राइट. नाउ सेकेंड क्वेश्चन सेज इफ ए बी सी, इफ ए बी सी एंड डी, इफ ए बी सी एंड डी आर द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी सच दैट ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस डी. ओके, लेट मी अज्यूम वी हैव अ पॉलीगॉन, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल ऑफ फोर साइड्स ए बी सी डी. ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ द पैरलोग्राम और पॉलीगॉन. कुछ भी ले सकते हैं हम रेक्टेंगल, हमें ट्रेपेजियम स्क्वायर रेक्टेंगल पैरलोग्राम में से किसी एक ऑप्शन के बारे में. ओके, कॉन्सेप्ट क्लास अच्छी थी बट असाइनमेंट सॉल्व नहीं हुए. ओके, कोई बात नहीं. असाइनमेंट आपके आज की थोड़े से क्लास आप देख लीजिए जो कि आपकी न्यूमेरिकल क्लास है, इसके बाद शायद आपके असाइनमेंट आराम से सॉल्व हो जाए. ओके, सो इसको केयरफुली देखिए आप. अगर इसके बाद भी असाइनमेंट नहीं लगते हैं तो हम उन असाइनमेंट्स को भी डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट डिस्कशन क्लास में. ओके, आज की क्लास देखिए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एंड देन फिर असाइनमेंट को आप फिर से सॉल्व करिएगा, शायद आपको हेल्प मिले. ओके, नाउ ए बी सी डी आर द
एबीसीडी आर द पोजिशन वैक्टर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एंड ए स्मॉल ए वैक्टर स्मॉल बी वैक्टर स्मॉल सी वैक्टर एंड स्मॉल डी वेक्टर आर द पोजिशन वेक्टर. ओके, ये पोजिशन वेक्टर है, वर्टिसेस ए बी सी डी है और ये क्या है, पोजिशन वेक्टर. देन यू हैव टू हियर अ कंडीशन इज गिवन, ए प्लस सी इज इक्वल्स टू बी प्लस डी. देन व्हाट यू से, व्हाट इज ए बी सी डी, विच टाइप ऑफ पॉलीगॉन इज ए बी सी डी. ओके, गुंजन ऑप्शन सी. ओके, पैरलोग्राम. ओके ओके, प्रभाकर. ओके 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 ओके. नाउ if we see a plus c is equals to b plus d, then we can write it a minus b is equals to can we write it b minus a. okay, we can write it b minus a is equals to b minus a is equals to c minus d. what is b minus a equal to c minus d? it is a b vector, basically position vector or displacement vector. position vector or displacement vector, a b vector is equals to dc vector, a b vector is equals to dc vector. okay, in parallelogram aamne samne ki side kya hoti hai, uski parallel hoti hai, so wo barabar hone chahiye. so right answer is parallelogram. so option d is right because a b vector is equals to dc vector, a b vector is equals to dc vector. yes, option D is right. Very good. Now, next question says that the position vector A vector of a point. This is A vector. Okay. This is A vector. The position vector A vector of a point is 12 comma n. Here, A vector is a two-dimensional vector. Only two dimensions are given. Okay. 12 and n. In x-axis, movement is 12 and in y-axis, movement is n. Okay, is such that modulus of A is equals to 13, mod of A is equals to 13, then find N. Then what is the value of N? Then what is the value of N? Okay, Yashwant, thank you. Priyanshu Chaudhary, option D. Okay, let's see what is the right answer. Okay, yes, Prateek Sharma, option D. Okay, let's see what is the right answer. So basically A vector is equals to 12 I cap plus N J cap. As we discuss in concept class, we can write coordinate system to vector. हम कैसे एक coordinate point को कैसे vector में convert कर सकते हैं, ये सारी बातें हमने concept class में देखी हुई हैं. Okay, so now A vector is equals to 12 y cap plus n j cap. What is the modulus of A? Basically 3, which is given, and mod of B vector is root 2 by 3. Then what is the value of A cross B? Then what? अच्छा, then what? अच्छा, यहाँ given है हमें. Here the value of A cross B is given because A cross B is a unit vector. A cross B is a unit vector. What is the unit vector? What is the unit vector? Unit vector are those vector whose magnitude is 1. Whose magnitude is 1. Okay. So unit vector is a vector whose magnitude is 1. So A cross B here, A cross B is unit vector. That means modulus of A vector cross B vector is equals to 1. That means modulus of A cross B equals to 1. Yes, equals to 1. Now we have to find the angle between vectors. What we have to find? Angle between vectors. We all know A cross B is equals to mod of A dot mod of B sine theta into n cap. Okay. Sine theta into n cap. Let the vector such that mod of A mod of B are given. Okay. Mod of B mod of are given. Okay. Sir, please explain last question again. Okay. 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 Last question. ये है आपका लास्ट क्वेश्चन. ओके, द पोजीशन ऑफ वेक्टर ए वेक्टर ऑफ अ पॉइंट 12 कॉमा एन. हियर कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेक्टर आर गिवन व्हिच इज 12 कॉमा एन. दिस इज द टू डायमेंशनल वेक्टर. दिस इज द वैल्यू ऑफ x. हाउ मच डिस्टेंस यू कवर्ड इन x एक्सिस, इट इज 12, एंड हाउ मच डिस्टेंस यू कवर्ड इन y एक्सिस इज n. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. सो वी कैन राइट इट ए वेक्टर एज 12 i कैप प्लस n j कैप. 12 i cap plus n j cap. I cap shows the direction in x axis and j cap gives the direction is y axis. Okay, and k cap direction is z axis. But here only two axes are play a role. Okay, यहाँ केवल दो ही axes हैं हमारी. I cap means x axis and y j cap means y axis. So modulus of A is given, which is 13. So basically 13 is equals to under root 12 to the square plus n square. Very basic question. Okay, squaring both side, then you get this relation. Okay, here mostly students find the value of n is 5. No, plus minus 5 is right, because yahan par hum isko is tarike se agar solve kare, n square minus 25 is equals to 0, then n square minus 5 square is equals to 0. So we can write it n minus 5 into n plus 5 is equals to 0. Then you get the value plus 5 and also minus 5 by the formula of a square minus b square. Okay, now
नाउ ओके, हम इस प्रॉब्लम को देख रहे थे. ओके, वाई वी चूज पैरलोग्राम, वाई नॉट रेक्टेंगल, बिकॉज ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, बट इन पैरलोग्राम. ओके, देख लेते हैं एक बार. देखिए, अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं तो सारी की सारी साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती हैं. तो वहां पर आपकी कंडीशन क्या लगती है? ए बी इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी. एंड हेयर वी नॉट गेट द वैल्यू ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इक्वल टू डी. सो इट इज नॉट स्क्वायर. ओके, इट इज नॉट स्क्वायर. इन रेक्टेंगल ओनली टू साइड्स आर इक्वल, ओनली टू साइड्स आर इक्वल. सो हम रेक्टेंगल के अंदर क्या प्रॉपर्टी पाते हैं? ए इज इक्वल्स टू बी एंड बी सी इज इक्वल्स टू डी. इट ऑल्सो नॉट हैपन. हमने जब इसे सॉल्व किया तो हमें एक ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिली. बट पैरलोग्राम में क्या होता है? आमने सामने की साइड्स पैरल होती हैं. सो वेक्टर के जो पोजिशन वेक्टर्स होते हैं वो सेम होते हैं. ओके, सो यहां पर हमने क्या पाया? हमने इस प्रॉपर्टी को सॉल्व किया तो हमें इसमें से कोई भी रिलेशन नहीं मिला. हमें क्या मिला? b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस डी. b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस डी. एंड पोजिशन वैक्टर के कॉन्सेप्ट से इफ यू नो कॉन्सेप्ट ऑफ पोजिशन वैक्टर देन वी कैन राइट इट b वैक्टर माइनस ए वैक्टर एंड बोथ द वैल्यूज आर सेम. बोथ द वैल्यूज मैग्नीट्यूड नहीं सेम है, वो वैक्टर्स आपस में क्या है? सेम आ रहे हैं. ओके, वैक्टर्स क्या आ रहे हैं? सेम आ रहे हैं. सो दैट ये क्या रिफर करेगा? पैरलोग्राम. एडजेसेंट साइड, सामने आमने की जो साइड है वो क्या है? पैरल है. ओके, नाउ so we are here. Okay, a cross b is equals to mod of a dot mod of b into sine theta into n cap. What is the magnitude of a vector cross b vector? Then we have to use mod. So mod of a is mod of b sine theta into mod of n cap. Okay, magnitude of n cap is also equal to 1. Magnitude of n cap is also equal to 1 because n cap is a unit perpendicular vector. So magnitude of n cap is 1. Magnitude of A is given, magnitude of B is given, and magnitude of A cross B is also given by the hint of that A cross B is a unit vector. So we can write 1 is equals to mod, which is what is mod of A? 3 into what is mod of B? Root 2 by 3 into sine theta and into 1. Now root 3 to 3 cancel, sine theta, we get sine theta is equals to 1 upon root 2. ओके, sin theta is equals to 1 upon root 2. सो हमारा एंगल क्या होने वाला है? यस, pi by 4, because sin theta at pi by 4 it is equals to 1 by root 2. सो ऑप्शन ए इज राइट. ऑप्शन ए इज राइट. यस, आंसर इज pi by 4. Now, next question says that basically this question is based on section formula. Okay, so first we discuss section formula. What is section formula? And then we solve this problem. Okay, so write notes for section formula. Okay, in section formula, basically two conditions are given. Basically, two conditions are given in section formula. One comes from internal division. Internal division and second is external division. Internal division and second is external division. Okay, external division. Let's say we have two vectors, A vector and B vector. These are the position vector of a point. Okay, ये किसी point के position vectors दे रखे हैं, A vector and B vector. Okay, let's say a third vector divides them in the ratio m is to n. Let's say at point P, both the line joining the vectors are divided by a third line, okay, divided by second line in m is to n ratio. Then what is the coordinate of P? Then P vector, the coordinate of P vector or position vector of P vector is equals to m B vector plus n A vector upon m plus n. So it is the concept of internal division. But in external division, all the things are same. But in formula, we use minus sign. So P vector is equals to in external division, we can write mb vector minus na vector upon m minus n. We have to write mb vector minus na vector upon m minus n. And similarly, midpoint theorem also comes. So midpoint formula. So basically, what is midpoint formula? If position vector of two points are given, let's say A vector and B vector, and M is the midpoint between them, basically a line which bisect them. Okay, a line which bisect them means divides in two equal
parts or division in 1:1 ratio. Division in 1:1 ratio. Then what is the coordinate of m vector? Then m vector is referred as a vector plus b vector by 2. A vector plus b vector by 2. This is midpoint formula. Okay. Now we are going to solve this problem. Here, find the position vector of a point R which divides the line joining two points P and Q whose position vectors are. This is the position vector of P and this is position vector of Q. Externally, question says externally. So we have to use minus sign between operation. Minus sign in the ratio 1:2. Basically, 1 is the value of M and 2 is the value of M. M is to N ratio. So 1:N, 1:2, M is to N, compare them. So M equal to 1 and N equal to 2. Also show that P is the midpoint. P midpoint is basically half pe karega. Wo to alag cheez hai. Pehle hume R ke coordinate ko nikalna hai. Okay, what is the coordinate of R? So basically, R vector is equals to M Q vector. Basically here second vector is Q vector minus N P vector upon M minus N. Okay. Value of M is 1. Value of N is 2. P vector is Q vector are given. All the values are given. Now R vector is equals to what is the value of M? 1 into Q vector A vector minus 3B vector minus of N 2. Okay. Value of N is 2. What is P vector? 2A vector plus B vector upon M minus N means 1 minus 2. So R vector is equals to A vector minus 4A vector. Okay. A vector minus 4A vector 2 to the 4 and minus 3B vector minus of B vector by minus 1. By minus 1. So what is the value? Here we get minus 3A vector and minus 4B vector by minus 1. So the answer is 3A vector plus 4b vector. Which option is right? Which option is right? 3a vector plus 4b vector. 3a vector plus 4b vector. 3a vector plus 4b vector. Let me check. 3b minus 3b. Okay. And plus b 2b. Okay. Sorry. Ye 2b hai. Okay. So this is 5. The right answer is 3a vector plus 5b vector. 3a vector plus 5b vector. Here option C is right. Option C is right. Yes. Yes, it's minus 2b Ashraf. Yes. Correct ho gaya hai. Yes, Nachiket. Option C is right. Yes, Priti, Pradeep. Okay. Option C is right. 3a vector plus 5b vector. Aap sabhi is section formula ke concept ko note kar lijiye. Okay. Now we are going to discuss our another problem. This is very important problem. Let's see who can solve it. Okay. Because ये आपके A cross B मतलब means cross product के बहुत ही concept पर related है, बहुत अच्छे concept पर related है. So basically here U vector is given, U vector is I cap plus J cap, V vector is minus V vector is equals to I cap minus J cap and the vector W is given which is I cap plus 2J cap plus 3K cap. So upper two vectors are 2D vector and lower vector is 3D vector. If N cap is the unit vector such that U vector dot N vector equal to 0 and V vector dot N vector is equals to 0. If I say to you if A vector dot B vector 0, then what you conclude about A and B? Then what you can see about A and B? A and B. आप क्या कहना चाहेंगे A and B के बारे में? If A dot B is equals to 0, then what you conclude about A and B? Then आप A and B के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बताइए. So if A and B, A dot B, okay, A dot B means dot product, scalar product 0 है. That means A vector is perpendicular to B vector. A vector is perpendicular to B vector. A dot B is equal to 0 only for two conditions. First, both vectors are perpendicular and second, both vectors are null vector. Agar wo dono hi vector null vector ho jaye to unka multiplication 0 milega. Agar wo vector aapas mein kaise hai perpendicular means orthogonal, then also A dot B equals to 0. As we discuss, it is in concept class. Humne concept class mein bataya hua hai perpendicular or orthogonally condition A dot B equals to 0 because cos theta means cos 90 is equals to 0. Okay, so A dot B equals to 0. So what you conclude here? Here U vector dot n cap is equals to 0 and V vector dot n cap is equals to 0. That means U is perpendicular to n cap. Okay, mutually perpendicular, they are mutually perpendicular and V and n cap also mutually perpendicular. So here n cap is perpendicular on both U and V.
यू एंड वी. इफ यू गो एंड सी द कॉन्सेप्ट क्लास, देन वहां पर हमने देखा हुआ है कि जो आपका एन कैप होता है यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर अगर आप देखें तो वो क्या होता है, ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ऑफ ए, सॉरी मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. सो बेसिकली यूनिट परपेंडिकुलर वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दोनों पे क्या होता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है. मैंने बताया था आपको दो डायरेक्शन जा रही हूं, दो वेक्टर्स हूं आपके. सो जो आपका एन कैप होने वाला है वो इसके कर्ल की डायरेक्शन बताता है, रोटेशन की डायरेक्शन, और वो जो एन कैप है इट इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन बोथ वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर ऑन बोथ वेक्टर. सो हियर बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट द वैल्यू ऑफ एन कैप बाय यूजिंग फॉर्मूला वी क्रॉस यू क्रॉस वी, ओके यू क्रॉस वी by u vector cross v vector upon mod of u vector cross v vector. Find everyone what is the value of n cap, what is the value of n cap, what is the value of n cap. Okay, here ab kaise zero hai Yashwant, okay ab kaise zero samjhiyega. A dot b means do vector ka multiplication kitna hai, zero. That means ya to wo a vector aur b vector aapas mein perpendicular ho sakte hain, या फिर ये दोनों ही वेक्टर क्या हो सकते हैं, नल वेक्टर के इक्वल हो सकते हैं. बिकॉज अगर हम प्रोडक्ट करें तो नल वेक्टर का प्रोडक्ट जीरो, या फिर उनमें से कोई एक वेक्टर भी हमारा नल वेक्टर के बराबर हो सकता है तो भी प्रोडक्ट कितना मिल जाएगा, जीरो. सो अगर हमारा ए डॉट बी इक्वल टू जीरो है देन ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन, ए एंड बी बोथ आर इक्वल टू जीरो, बोथ आर इक्वल टू नल वेक्टर, एंड ए एंड और बी ऑल्सो इक्वल टू जीरो. ए और बी मीन्स या फिर ए या तो बी, दोनों में से कोई भी नल वेक्टर के अगर इक्वल है देन उनका भी कितना होगा, जीरो होगा. बहुत ही सिंपल सी चीज है. अब यहां पर यू और वी नल वेक्टर के इक्वल नहीं है, सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. यू एंड एन कैप आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड वी एंड एन कैप आर आल्सो म्यूचुअली परपेंडिकुलर. सो वी यूज दिस फॉर्मूला टू ऑपरेट एन कैप, एंड व्हेन वी फाइंड द एन कैप देन वी मल्टीप्लाई इट डब्ल्यू. ओके देन वी मल्टीप्लाई इट डब्ल्यू. ओके नाउ नाउ what is the value of n cap. So n cap, firstly we have to find u cross v. Okay, u cross v, so what is the value of u cross v, here check by determinant method what are the coordinates of u, 1 1 0, because k cap nahi given hai to uske coordinate ko kitna lenge hum, 0 le rahe honge. Okay, now 1 minus 1 and 0. Second case mein bhi, second vector mein bhi hamara k cap given nahi hai. ओके के कैप गिवन नहीं है तो उसे भी हम क्या लेंगे, जीरो ले रहे होंगे. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू क्रॉस वी, सो आई कैप जीरो हो रहा है, जे कैप भी हमारा जीरो हो रहा है. नाउ ओनली के कैप पार्टिसिपेट्स, ओके के कैप पार्टिसिपेट्स करता है -1 -1. सो वैल्यू ऑफ यू क्रॉस वी इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2 के कैप, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यू क्रॉस वी, इट्स ऑल्सो इक्वल्स टू 2 अंडर रूट 4 means 2. सो यू क्रॉस वी इज इक्वल्स टू -2 के कैप, एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ यू क्रॉस वी, 2. So what is the value of n cap? So n cap here, n cap is equals to -2 k cap upon 2. Okay, so 2 से 2 cancel, the value of n cap is minus k cap. Value of n cap is minus k cap. The value of n cap is minus k cap. Now we are going to solve this. W vector dot n cap is equals to, what is the value of W? I cap plus 2 j cap plus 3 k cap and dot with minus k cap. So what is dot product? You have to remember only one thing. Dot product says that उसका उसी से, मैंने आपको एक बात कही थी कि कभी भी addition, subtraction या dot product की बात की जाए तो आपको क्या operate करना है, उसका उसी से. You have to remember only one thing, उसका उसी से. So here k into k ही operate होगा. So value of w vector dot n cap is equals to -3. कितना आएगा, -3. Now what is the value of modulus? What is the value of modulus? So in modulus, negative value becomes positive. So answer is 3. So final answer is option D is right. Option D is right. Yes. Yes, Preeti. Yes, Gokul. Ravi. Okay. Yes, Ravi Ranjan. Yes, answer 3. Option D is right. Answer is 3, but option D is right. Fourth option is right. I hope सभी को समझ आया होगा. बहुत अच्छा concept यहाँ पर लगाया गया है. Basically dot products को लेकर के और cross product को लेकर के. Yes, now move to another problem. Here, if A vector and B vector are position vectors of the points -1, 1, basically A vector का जो point है वो कितना है -1, 1, and B vector जो कोऑर्डिनेट है वो m कॉमा -2, देन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द वेक्टर्स a वेक्टर एंड b वेक्टर आर कोलिनियर. सो बेसिकली व्हाट आर कोलिनियर वेक्टर्स,
कोलिनियर वेक्टर कैसे होने वाले हैं, जिनका डिटरमिनेंट हम क्या करते हैं, जीरो के इक्वल, हमने कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, या फिर उनके पोजीशन वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट भी कितना मिल जाए, जीरो मिल जाए। कोलिनियर मींस ऑल द वेक्टर्स लाइन अ सेम लाइन, ऑल द कोऑर्डिनेट्स आर लाइन अ सेम लाइन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर, हियर ए वेक्टर इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस वन जे कैप, बेसिकली जे कैप, एंड बी वेक्टर इक्वल्स टू एम आई कैप माइनस टू जे कैप। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, फॉर कोलिनियर पोजिशन वेक्टर का जो क्रॉस होना चाहिए वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। ओके, सो ए क्रॉस बी, वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो, वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो मीन्स डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स टू जीरो। नाउ ओनली टू एक्सेस आर पार्टिसिपेट, सो माइनस वन वन एम एंड माइनस टू इक्वल्स टू जीरो। नाउ ओपन डिटर्मिनेंट ऑफ देम, सो माइनस वन इंटू माइनस टू दैट इज टू, m into 1 minus m is equals to 0, so m is equals to 2. Okay, m is equals to 2 means option b is right, means option b is right. Very good, many of the students give the right answer. Akriti Thakur, B Gunjan, okay, Vishnu, Abhishek, Nachiket, Priyanshu, Akriti, very good Prateek, very good. Now next problem is find the vector of find the value of x for which x, okay, here x is multiply with the vector, okay, connected x into I cap plus j cap plus k cap. If this vector is unit vector, this vector is unit vector, then find value of x, then find value of x. अगर आपका जो गिवन वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर है, मींस इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, वन, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, सो बेसिकली हमें पहले x को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना, बिकॉज x इज स्केलर, तो एक वेक्टर में स्केलर मल्टीप्लाई करना है, सिंपल हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सो वी गेट x i कैप x j कैप एंड x k कैप। नाउ इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज इट इज अ यूनिट वेक्टर, सो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड, सो वी गेट 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, what is the value of x square is 1 by 3, and what is the value of x is plus minus 1 upon root 3, plus minus 1 upon root 3. What option is right, which option is right, option c is right, option c is right, it is plus minus 1 upon root 3. Yes Anurag, Raj, Prabhakar, option c is right, very good. Divya, Vipin, Gokul, Saurav, very good, many of the students mark the right option. Okay, now next problem says that vectors that may be subject to its parallel displacement without changing its magnitude and direction are, basically it is, this question is also based on the definition of vector. Okay, आपसे कहा जाता है कि एक ऐसा वेक्टर जो कि विदाउट चेंजिंग, मतलब बिना कि अपने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को चेंज किए रहता है, उस वेक्टर को क्या कहते हैं, सो बेसिकली डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है, दिस टाइप ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड एज फ्री वेक्टर्स। इसको आप नोट में मेंशन करिए, इसको आप एज अ क्वेश्चन नहीं, आप एज अ कॉन्सेप्ट इसको अपने नोट्स में मेंशन करिए कि फ्री वेक्टर्स होते हैं ऐसे वेक्टर्स जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, तो इसको अपने नोट्स में आप मेंशन करिए। ओके, मेंशन करिए, यस, वन अपॉन रूट थ्री, आर हरीश, वेरी गुड, सो ऑप्शन ए इज राइट, दीज वेक्टर आर कॉल्ड एज फ्री वेक्टर्स, वेक्टर आर कॉल्ड एज फ्री वेक्टर्स। नो, कोइनिशियल वेक्टर नहीं होगा, जिन्हें भी लग रहा है कोइनिशियल वेक्टर है, ऐसा नहीं होने वाला है, कोइनिशियल वेक्टर नहीं होने वाले। कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो कि एक सेम लाइन पर लाई करते हैं, कोलिनियर वेक्टर एक सेम लाइन पर लाई करते हैं, और जो आपके कोइनिशियल वेक्टर होते हैं उनका ओरिजिनेशन पॉइंट सेम होता है। लेट्स से अगर मैं कोइनिशियल वेक्टर की बात करूं तो इनका जो ओरिजिनेशन पॉइंट है, जैसे ये ओरिजिन मान ले, तो यहीं से आपका ए वेक्टर भी ओरिजिनेट हो रहा है और यहीं से आपका क्या हो रहा है, एक बी वेक्टर भी ओरिजिनेट हो रहा है, तो उन्हें बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या हो, सेम हो, या तो ओरिजिन हो या तो कोई और दूसरा वेक्टर दे रखा हो आपका इसका इनिशियल पॉइंट। ओके, पैरेलल वेक्टर आप सभी जानते हैं जिनके बीच में एंगल जीरो होता है और ए वेक्टर बराबर लैम्डा बी वेक्टर की प्रॉपर्टी रखते हैं। ओके ओके, सो फ्री वेक्टर्स नहीं, ये पीपीटी में नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट हमने जो थोड़े बहुत बच गए उन्हें हमने इसी डिस्कशन क्लास में रखा हुआ है, जैसे हमने सेक्शन फार्मूला का कॉन्सेप्ट नहीं कवर कर पाए क्योंकि पीपीटी आपकी जो पीडीएफ थी, जो भी आपकी कॉन्सेप्ट क्लास थी, बहुत ही बड़ी बन जा रही थी, सो सही नहीं था कंसाइज उसको रखने के लिए, तो हमने थोड़ा बहुत कंटेंट यहाँ के लिए बचाया हुआ था। ओके, सो आप ध्यान से देखिए इसे, तो इसे अपने आप कॉन्सेप्ट में मेंशन कर लेंगे। सो व्हाट इज जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर मींस नल वेक्टर। ओके, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, सो व्हाट इज जीरो वेक्टर और नल वेक्टर, ये बेसिकली ये भी डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है आपका, जीरो वेक्टर नल वेक्टर वाला। ओके, सो व्हाट इज द जीरो वेक्टर, हियर फोर ऑप्शन इज गिवन। ओके, कमेंट फास्ट, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, व्हाट इज जीरो वेक्टर,
व्हाट इज जीरो वेक्टर? ऑप्शन ए सेज दैट अ वेक्टर हुज टर्मिनल पॉइंट्स आर एट ओरिजिन, ऐसे वेक्टर जिनके टर्मिनल पॉइंट ओरिजिन पर हो, ऐसे वेक्टर के नल वेक्टर होंगे नहीं, उनका इनिशियल पॉइंट कुछ और हो सकता है, सो डिफरेंस हमारा जीरो नहीं आ रहा होगा। सो अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर डिफरेंट, इफ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स आर डिफरेंट मींस इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स आर डिफरेंट, देन सब्ट्रैक्शन ऑफ देम इज नॉट इक्वल टू जीरो, सो नल वेक्टर नहीं मिल सकता। चलिए, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, ये थोड़ा बहुत ठीक लगता है। ओके, अ वेक्टर हुज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड, कोइंसाइड मींस द इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट्स बोथ आर सेम, इनिशियल टर्मिनल पॉइंट्स बोथ आर सेम, सो हियर ऑप्शन सी इज राइट। सो व्हाट अबाउट ऑप्शन डी, अ वेक्टर हुज इनिशियल पॉइंट आर एट ओरिजिन? नो, ये जीरो वेक्टर नहीं होने वाले, उनके इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है, पता नहीं टर्मिनल पॉइंट आपके जो हो वो कुछ और हो, सो उनका डिफरेंस जीरो नहीं आएगा, उनका डिफरेंस जीरो नहीं आएगा। यस दिव्या, ऑप्शन सी इज राइट। सिंपी, हर्षदीप, यस हरीश, संचित, यस यस, कोशिश किया करिए मेरे करने से पहले सभी के आंसर आए। ओके, कमेंट आए। ओके, नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट द वेक्टर्स आर इक्वल। ओके, ये भी आपके कॉन्सेप्ट क्लास में नहीं हो पाया था। ओके, सो इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर सिंपली जिनके जिनमें आपने एक्स एक्सिस के अबाउट सेम डिस्टेंस कवर की हो, वाई एक्सिस के अबाउट सेम डिस्टेंस कवर की हो, और जेड एक्सिस के अबाउट भी क्या कवर की हो, सेम डिस्टेंस कवर की हो। मींस वेक्टर ऐसे जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए, ऐसे वेक्टर को क्या कहते हैं हम लोग, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। सो बेसिकली कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इक्वल वेक्टर्स को, तो बेसिकली इसके लिए भी वही आपके लिए मैं बोलना चाहूंगा, उसका उसी से। ओके, नाउ इफ बोथ आर वेक्टर्स आर इक्वल टू वाई कैप प्लस थ्री जे कैप इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड बोथ आर इक्वल, देन उसका उसी से मीन्स कोफिशियंट ऑफ आई कैप इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ आई कैप। ओके, कंपेयर करेंगे हम कोफिशियंट ऑफ आई कैप को कोफिशियंट ऑफ आई कैप से, सो कंपेयर करेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, टू, एंड वाई की वैल्यू थ्री, एक्स टू वाई थ्री मीन्स सी इज राइट। ओके, थोड़ी सी नंबरिंग ऊपर नीचे है ऑप्शंस की। ओके, ए सी बी डी है, सो ऑप्शन सेकंड इज राइट बट इट्स नेम इज सी। यस रवि रंजन, यस एक्स इक्वल टू टू एंड वाई इक्वल टू थ्री इज राइट, वेरी गुड। नाउ डू इट फास्ट योर सेल्फ, बेसिक क्वेश्चन है आपका ये। कहा जाता है सवाल के अंदर, इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ अ मैग्नीट्यूड ए, ओके हियर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज गिवन विच इज ए, ओके एंड लैम्डा अ नॉन जीरो स्केलर वैल्यू, देन लैम्डा ए वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर, इफ लैम्डा ए वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, ये कैसा वेक्टर है हमारा, यूनिट वेक्टर है, दैट मींस मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर इक्वल टू वन, इक्वल टू वन। हमारा क्या है, लैम्डा ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो कितना आएगा, वन आएगा। तो व्हाट आर द रिलेशन दे सेटिस्फाइड, मतलब इसमें से कौन सा रिलेशन हमारे सही है। ओके, नाउ रवि रंजन सी कह रहे हैं। ओके, देखते हैं, समझ नहीं आया सर, क्या नहीं समझ आया बेटा, यूनिट वेक्टर है, आपको बोला जा रहा है इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपको दे रखा है। ओके, मैग्नीट्यूड आपको ए दे रखा है एंड लैम्डा ए वेक्टर आपको कहा जा रहा है कि क्या है, ये यूनिट वेक्टर है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर इज वन, बेसिकली लैम्डा हियर, लैम्डा इज अ स्केलर क्वांटिटी, अ नंबर टाइप ऑफ नंबर, ये एक नंबर हो सकता है और कुछ नहीं है। ओके, लैम्डा कोई वेक्टर नहीं है, लैम्डा एक आपका यहां पर स्केलर क्वांटिटी है, बेसिकली एक न्यूमेरिकल डिजिट है, न्यूमेरिकल डिजिट है। सो लैम्डा इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू वन, बेसिकली हम डिजिट्स को अलग कर सकते हैं। बेसिकली अगर आपसे मैं बोलूं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 16 है, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ 2a वेक्टर, सिंपली 32, आप 2 को अलग करके भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो वी कैन राइट इट लैम्डा इनटू a, देन वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a वेक्टर इज a इनटू लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, देन व्हाट वी गेट, a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा, सो ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। यस नचिकेत, प्रीति, शिम्पी, विपिन, यस ऑल ऑफ यू राइट। ओके, ऑप्शन डी इज राइट, लैम्डा a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा। नाउ दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, बिल्कुल यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन पर है, सो डू इट योरसेल्फ, बिकॉज यूनिट वेक्टर डिस्कस कर दिया गया है आपकी कॉन्सेप्ट क्लास के अंदर, बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया है। ओके, सो बताइए विच ऑप्शन इज राइट, विच ऑप्शन इज राइट, डू इट फास्ट एवरीवन, डू इट फास्ट, विच ऑप्शन इज राइट। ओके ओके, अभिषेक, नुसरत, नचिकेत, ओके ऑप्शन डी यूनिटी, ओके ओके ओके, शिम्पी,
ओके प्रदीप, यस यस यस, ऑल ऑफ यू आर राइट, ऑप्शन डी इज राइट, बिकॉज अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। एंड ऊपर वाले ऑप्शन हमें क्या बताते हैं, अ वेक्टर हुज डायरेक्शन एंगल बीटा इज यूनिटी। बीटा यूनिटी मीन्स कॉस बीटा इज इक्वल टू यूनिटी, मींस क्या आपका जो डायरेक्शन कोजाइन है वाई एक्सिस के अबाउट वो यूनिटी किया गया है और पूरा का पूरा वेक्टर यूनिटी नहीं किया गया है। सो यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड वन होता है, ओके मॉड ऑफ ए वेक्टर इफ वन देन ए वेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर, देन ए वेक्टर इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। ओके नाउ वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, नन ऑफ दीज, विच ऑप्शन इज राइट। दिस बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिजिक्स एंड आप सभी ने इसको फिजिक्स में भी देखा होगा, मैथ्स में भी है कि वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं। यस डायरेक्शन कोजाइन, डायरेक्शन कोजाइन आपके कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किया गया है हरीश, डायरेक्शन कोजाइन एल एम एन एंड एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू वन। ओके yes 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 as well direction, magnitude as well as direction, yes yes yes, all of you right, option c is right because a vector quantity has magnitude as well as direction like force, like displacement, okay, like velocity, okay, inke paas direction bhi hota hai aur magnitude bhi hota hai। This question is a very good question, okay, bahut hi acha sawal hai aapka direction cosine ke upar, okay, the question says that if l m n are direction cosines of the position vector OP, position vector OP, the coordinates of PR, the coordinates of PR, do it fast everyone, the coordinate, हाँ हो गया संचित, प्रति, अमित, very good, option C is right, okay, now solve this question, do it fast, solve this question says that we have a OP vector whose direction cosines are L, M, N, then what is the coordinate of P, then what is the coordinate of P, yes what is the coordinate of P, very good Pradeep, very good Shubham, no Ashraf, B option is not right, yes yes Nachiket, yes yes Vishnu, yes Avnish, Gunjan, Anurag Rai, very good, all of you are right, LR, MR and NR, okay, अब हम यहां देखते हैं, ओके कैसे ये एल आर एम इन टू आर एंड एल इन टू आर, बेसिकली हेयर आर इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, बेसिकली हेयर आर इज द मैग्नीट्यूड, आर इज द मैग्नीट्यूड, ओके इफ आई से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल देन यू से ए अपॉन मॉड ऑफ ए, बेसिकली मॉडुलस, सो हेयर वी यूज सिंबल आर फॉर मॉडुलस, वी यूज सिंबल आर फॉर मॉडुलस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एम बी अपॉन आर एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन इज सी बाय आर, इज सी बाय, okay, so what is the value of A, then we can write L into R, what is the value of B, here we get value of B is M into R and P equal to N into R, now we know that P vector, jo coordinate hai P vector ke, A vector I cap, sorry, A I cap plus B J cap plus C k cap, now p vector is equals to a i cap, what is the value of a, l r i cap plus what is the value of b, m r j cap, what is the value of c, n r k cap, so coordinates are l r m r and n r, so option a is right, yes option a is right, very good Vishesh, Preeti, okay Shashank, yes option a is right, now this question is based on direction of definition of direction cosine, so what is direction cosine, are tangents of direction angle, are cotangent of direction, cotangent means cot theta, okay cotangent means cot theta, tangent means tan theta, okay tan theta, sines means sin theta and cosines means cos theta, so direction angle alpha beta gamma are the direction angle, so direction cosine kya hota hai, okay, नेक्स्ट टाइम से स्वीटी आपके जो भी असाइनमेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें भी हम इस अपनी प्रेजेंटेशन में रखेंगे सो दैट आपको हेल्प मिले, बेसिकली आप थोड़ा सा ये किया करिए कि आप थोड़ी सी डिस्कशन क्लास के बाद अगर फिर से सॉल्व करें अपने असाइनमेंट को शायद आपको हेल्प मिले और थोड़े से कम डाउट्स आएंगे, ओके खैर फिर भी हम अब नेक्स्ट क्लास से आपकी जो भी डिस्कशन क्लास होगी उसमें प्रीवियस वाला जो भी आपका असाइनमेंट होने वाला है उसे हम ऐड कर लिया करेंगे, ओके चलिए देखते हैं, सो विच ऑप्शन इज राइट, what are the direction cosine, so direction cosine are the cosines, basically option mein hi hai, question mein hi hai cosine, so direction cosine are the
कोसाइन्स ऑफ डायरेक्शन एंगल. सो हियर ऑप्शन डी इज राइट. यस इट इज वेरी बेसिक क्वेश्चन. ओके नाउ डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज गिवन बाय. सो दिस क्वेश्चन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत ही अच्छा सवाल है. देखते हैं कौन कर पाता है इसे. डू इट फास्ट. ओके डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. यू हैव टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स. रिजल्टेंट मीन बेसिकली सम. व्हेन यू ऑल नो द ट्रायंगल फॉर्मूला ऑफ एडिशन. दिस ए दिस इज ए वेक्टर. ओके दिस इज बी वेक्टर. देन व्हाट इज द रिजल्टेंट वेक्टर. देन रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. सिमिलरली ट्रायंगल रूल ट्रायंगल लॉ एडिशन. ओके ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. ओके लेट्स सी विच ऑप्शन इज राइट. ऑप्शन डी. नो ऑप्शन डी इज रॉन्ग. वैसे ऑप्शन डी तो गलत है. वैसे चलिए देखते हैं. लेट्स सी. ओके इफ वी गोइंग टू एड टू वेक्टर्स. लेट्स से वी हैव अ ए वेक्टर. लेट्स से वी हैव अ ए वेक्टर हूज हूज देखिए ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई आर द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर. आर द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर. सो ए वेक्टर हैज ए एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप एंड बी वेक्टर सॉरी ए वाई. ए वेक्टर का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो कितना होगा. ए वाई होगा. लेट्स से ए वाई जे कैप एंड फॉर बी वेक्टर बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप. बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप. सो हमारे ये दोनों वेक्टर्स हैं. इफ यू आर गोइंग टू एड दीज वेक्टर बेसिकली रिजल्टेंट ऑफ दीज वेक्टर देन वी गेट आई कैप के साथ जे कैप के साथ उसका उसी से. सो वी गेट ए एक्स प्लस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे कैप. Now I'm going to draw these vectors. Okay, let's say these are the vectors. Okay, these are the vectors. Then only I refer only two axes because ये two dimensional vector है तो हम केवल दो axes को ही साथ में लेकर चल रहे होंगे. ये आपकी y axis है और ये आपकी क्या है x axis है. So what is the what it shows? Ax plus bx. What it shows? Yes, magnitude of the distance covered in x direction. So this distance is ax plus bx. Now what it shows? Ay plus by. Distance covered in y-axis, which is ay plus by. Now, what is the resultant? Resultant is this vector. This vector is resultant by a triangle law of addition. This vector is resultant. Now, this is the theta which gives the direction. Okay. So here, tan theta is equals to perpendicular upon base. Then, what is the value of theta? The value of theta is equals to tan inverse ay plus by upon ax plus bx. So which option is right? Which option is right? Yes, option C is right. Option C is right. Yes. Option Vishnu, very good. Saurav, Gunjan, Avnish, Gunjan, correct your answer. Okay, Simpi, yes, option C is right. ये question थोड़ा सा अच्छा था. Okay, बढ़िया सवाल था ये एक. बढ़ते हैं इसी तरीके के सवाल की तरफ. Okay, a vector whose initial and terminal points coincide is called. ऐसा वेक्टर जिसके इनिशियल और टर्मिनल दोनों पॉइंट्स कोइंसाइड मींस सेम हो जाएं उस वेक्टर को क्या कहेंगे हम. डू इट फास्ट. उस वेक्टर को क्या कहेंगे हम. वेक्टर हूज इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स कोइंसाइड देन नेम द वेक्टर. नेम द वेक्टर. डू इट फास्ट. हरीश शेड ऑप्शन सी यूनिट वेक्टर. नो अच्छा पुराने वाले सवाल के लिए. ओके ठीक ऑप्शन सी इज राइट. यस सौरव सौरव मंजुनाथ. ओके अभिषेक सिंपी. यस नचिकेत वेरी गुड. नल वेक्टर हमने इसे प्रीवियसली भी देख लिया है कि नल वेक्टर क्या होता है. एक ऐसे वेक्टर जिनके टर्मिनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट्स क्या हो जाए सेम. सो दैट उनका डिफरेंस कितना आएगा जीरो. देन वी गेट जीरो एज नल वेक्टर. यस नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. बेसिकली दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एज वी डिस्कस इन द सेकंड नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन. ओके हमने इससे पहले वाले जो दूसरा क्वेश्चन था उसमें देखा था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है. मैं फिर से बता देता हूं. लेट्स से वी हैव अ वेक्टर बी हियर. Let we have a vector A here, then resultant of both of them. So the head को tail से जोड़ते हैं, then इधर वाली tail से जब उसके head को जोड़ते हैं, तो हमें resultant vector R vector बराबर कितना मिलता है? A vector plus B vector. कुछ ऐसा ही आपको concept इसके अंदर use करना है. Okay. So which is not true? Which option is not true? Which option is not true means you have to choose incorrect option. Okay. Here. सॉल्व करते हैं इसको. सो ये वेक्टर हमारा कौन सा होने वाला है. ए बी वेक्टर. दिस इज बी सी वेक्टर एंड दिस इज ए सी वेक्टर. ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर एंड ए सी वेक्टर. सी ए वेक्टर नहीं.
ए वेक्टर नहीं, इफ यू से सी ए वेक्टर देन डायरेक्शन गेट्स रिवर्स, डायरेक्शन गेट्स रिवर्स, बट हेयर डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर इज इंडिकेटेड हेयर, ये आपको दिख रहा होगा एरो, सो हेयर डायरेक्शन है, सो ए सी वेक्टर है ये, सो बाय ट्रायंगल ऑफ एडिशन वी कैन राइट ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए सी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ओके ओके, तो हेयर, और अच्छा एक और चीज देख लीजिएगा, ए सी वेक्टर को हम माइनस ऑफ सी ए वेक्टर भी कह सकते हैं, ए सी वेक्टर इज कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफ सी ए वेक्टर, ए सी वेक्टर इज कॉल्ड एज नेगेटिव ऑफ सी ए वेक्टर, सो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर माइनस ए सी वेक्टर इक्वल टू जीरो, ये भी सही होगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर ओके प्लस ऑफ सी ए वेक्टर इज ऑल्सो ट्रू, ओके सो ऑप्शन ए एंड बी आर ट्रू, हेयर ऑप्शन सी इज रॉन्ग, हेयर ऑप्शन सी इज रॉन्ग बिकॉज ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू जीरो नॉट माइनस ऑफ सी वेक्टर जीरो, सो ऑप्शन सी इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग, नो बी और सी नहीं, बी और सी नहीं, वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया है सौरव, सौरव वेक्शन की डायरेक्शन को रिवर्स कर दीजिए तो प्लस हो जाएगा, इधर वाले वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस, जैसे यहाँ पर बी सी वेक्टर है जैसे उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो वट वी गेट अनेगेटिव साइन, वट वी गेट नेगेटिव साइन, नो हरीश बी और सी नहीं, ओनली सी इज इनकरेक्ट, बी इज राइट बिकॉज डायरेक्शन ऑफ ए सी वेक्टर गेट्स रिवर्स, सो वी टेक अ माइनस साइन फॉर रिवर्सिंग द डायरेक्शन, ओके सो ऑप्शन सी इज राइट, वेरी गुड प्रीति, ओके विष्णु निदा अमित, यस नाउ मूव ऑन टू अदर क्वेश्चन, क्वेश्चन सेज इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर टू कोलिनियर वेक्टर देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, देन में से कौन सा जो आपका ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है, डू इट फास्ट, व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर, ओके वेक्टर लाइज ऑन सेम लाइन बेसिकली, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो भी कितना होगा, जीरो होगा, यस हरीश ओके ओके गुड, नाउ ओके सो बी वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा ए वेक्टर, यस दिस इज राइट ऑप्शन, दिस इज राइट ऑप्शन बिकॉज अगर वेक्टर कोलिनियर है सो बेसिकली एक पैरेलल की तरह बिहेव करते हैं, वो कोलिनियर वेक्टर एक पैरेलल वेक्टर की तरह भी बिहेव करते हैं, सो ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर कह सकते हैं, सो ए वेक्टर इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बी वेक्टर, यस दिस इज ऑल्सो राइट बिकॉज ए वेक्टर, इफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर देन डायरेक्शन ऑफ बोथ वेक्टर इज सेम, they are collinear and direction of both vector is same, and if a vector is equals to minus b vector then they are collinear but their direction is reverse, their direction is reverse, so a minus sign is used, direction is reverse, if direction is same then both sign are positive, dono ke sign kya honge, positive honge, direction reverse hogi to sign kya ho jayega, ek ka reverse, so ye bhi sahi hai kyunki dono hi kaise hain collinear hai, the respective components of a vector and b vector are proportional, both the vectors, option d says both the vectors a and b have the same direction but different magnitude, same direction but different magnitude, this is wrong, this is right, okay, a1 by b1, the aapki जो भी कॉन्सेप्ट क्लास थी उसमें भी हमने डिस्कस किया हुआ है, उसमें भी हमने क्या किया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है ए वन बाय ए टू, ए वन बाय ए टू, ये क्या है प्रोपोर्शनल जो बोला जा रहा है, क्या कंपोनेंट्स ऑफ ए एंड बी, सो ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू, दिस कंडीशन इज यूज फॉर पैरेलल और कोलिनियर, ओके पैरेलल और कोलिनियर, ओके सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग बिकॉज ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम डायरेक्शन, डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड्स क्या है डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड्स क्या है डिफरेंट है, ऐसा नहीं अगर मैग्नीट्यूड्स उनके सेम होंगे तो भी अच्छा, बोथ द वेक्टर्स ए एंड बी हैव द सेम डायरेक्शन, ओके ना ना ना, अगर डायरेक्शन को हम रिवर्स भी कर दे जैसे हमने यहां देखा हुआ है, यहां हमने देखा हुआ है अगर हमने डायरेक्शन रिवर्स कर दिए तो भी वेक्टर कैसे हैं कोलिनियर है, तो भी वेक्टर कैसे हैं कोलिनियर, ओके यस सर डिस्कस, यस यस नचिकेत, now question says if a is a non-zero vector of magnitude a, अच्छा ये तो हमने discuss कर लिया है इससे पहले वाले question में, okay lambda is a unit vector, correct this option, this is 1 by lambda, here a is equals to 1 upon lambda, इससे पहले वाले में lambda is equals to 1 upon a, कुछ ऐसा हमने discuss कर चुके हैं, unit vector वाला question repeat कर गया है, okay सभी इसका answer जानते होंगे, okay option d is right, correct the option d, a is equals to 1 by lambda, okay हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं, यस रिपीटेड क्वेश्चन नचिकेत, यस रिपीटेड क्वेश्चन, ओके नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन सेज इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी, लेट्स से वी हैव ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एंड एंगल बिटवीन देम इज थीटा एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, देयर स्केलर प्रोडक्ट इज ग्रेटर इक्वल जीरो, ग्रेटर इक्वल जीरो,
ओनली वेन, ओनली वेन थीटा इज इक्वल टू, सो आप सभी को बताना है कि इफ ए डॉट बी इज ग्रेटर इक्वल जीरो देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देन व्हाट इज द रेंज ऑफ एंगल बिटवीन ए डॉट बी then what is the range of angle between a dot b, okay, so inequality lagi hai to basically hame kya batani hai, range batani hai a dot b ki range di gayi hai aapko, theta ki range nikalni hai ki theta ki value kahan se kahan vary kar rahi hogi, solve, do it fast everyone, do it fast, Gokul, Vishnu, do it fast, option b is right, okay, let's see, Prabhakar says option b, Ranjan, Pradeep, okay Nachiket, option b, Simpi, okay Shubham, very good, many of the student gives right answer, yes, option B is right, yes, Nachiket, 0 to 90 degree, yes, cos theta is positive between 0 to 90 degree, if A dot B is greater equal 0, if A dot B greater equal 0, that means mod of A dot mod of B cos theta is equals greater equal 0, because mod of A mod of B are positive values, so we can remove M, और इग्नोर देम, ओके, सो हियर cos थीटा इज ग्रेटर 0, सो cos की वैल्यू कहां-कहां 0 से बड़ी होती है आपकी फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट cos थीटा इज पॉजिटिव फॉर फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सो व्हाट इज द रेंज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, रेंज ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 टू 90 डिग्री, 0 टू 90 डिग्री मींस इन रेडियन 0 टू पाई बाय 2, दिस इज डिग्री मेजरमेंट एंड दिस इज रेडियन मेजरमेंट, तो 0 टू पाई बाय 2 और फोर्थ क्वाड्रेंट की रेंज 3 पाई बाय 2 टू 2 पाई, सो मैच द ऑप्शन हियर ओनली B option is right because 0 से greater equal theta and less than equal pi by 2. Option B is right. Okay. क्योंकि यहां पर equality hold करी जा रही थी इसलिए हमारे option में भी क्या equality वाला हमने लिया है. अगर यहां पर inequality ना होती, if only if A vector dot B vector 0, then we choose option first. तब हम option first को choose कर रहे होते. Okay. Now समझ आ रहा है सभी को. Okay. Option B is right because cos theta is positive in first quadrant and fourth quadrant. So the range of first quadrant is 0 to pi by 2 and range of fourth quadrant is 3 pi by 2, 2 pi. 3 pi by 2, 2 pi. Yes, Sweety. Yes, Shubham. Tejashwini. Yes. Option D is right. Okay. Now, next question says that let A vector and B vector be two unit vectors and this is theta. Okay. This is theta. This is not 6. This is theta. Okay, this is theta. Theta is the angle between them. Then A vector plus B vector is a unit vector if. आप सभी को बताना है कि A vector और B vector के बीच का जो angle है वो क्या होगा? Okay, what is the angle between A vector and B vector? If A vector plus B vector is unit vector. If A vector condition ना दी हो तो ठीक जाएगी ना? सर condition ना दी हो तो pi तक जाएगी ना? Condition ना दी हो तो means pi तक क्यों? अगर आप 0 टू पाई तक ले जा रहे हैं तो दैट मींस आप फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्वाड्रेंट को कवर कर रहे हैं. ओके, दोनों को कवर करेंगे तो फर्स्ट में पॉजिटिव है, दूसरे में नेगेटिव है. ओके, पहले में पॉजिटिव है, दूसरे में नेगेटिव. ओके, रेंज ऑफ, अगर इफ यू से रेंज ऑफ cos थीटा, देन ट्रिग्नोमेट्री में ख्याल डिस्कस करेंगे, cos थीटा की जो आपकी रेंज होती है वो -1 से 1 तक जाती है. -1 से 1, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1 एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ cos थीटा इज -1. ओके, -1. ओके, नाउ डिस्कस दिस क्वेश्चन. ओके, डू इट फास्ट. ओके, नशीफ, प्रदीप, ऑप्शन डी. ओके, लेट्स सी व्हिच ऑप्शन इज राइट. लेट्स सी नाउ, हियर ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर्स. इफ ए एंड बी आर यूनिट वेक्टर देन मॉड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू 1 एंड आल्सो ए वेक्टर plus b vector is equals to 1, basically mod of a vector plus b vector is equals to 1 because a vector plus b vector is the unit vector. So humne points to ponder mein aapko ek property batai thi dot ki, ek property dot ki thi that a vector dot a vector is equals to mod of a square, mod of a square. So basically hume chahiye kya, angle between a and b chahiye. Agar hume angle between a and b chahiye to hume a dot b ko evaluate karna hoga because a dot b kya rakhta hai, cos theta ko apne andar rakh raha hoga. So wahi se hume kya mil jayega, angle mil jayega. Okay, now we have a vector plus b vector is equals to 1, unity. Now squaring both side karenge, so a vector plus b vector ka whole square is equals to 1. So use this property here. We can write it a vector plus b vector dot a vector plus b vector is equals to 1. Now operate dot product. So we can write a vector dot a vector plus
बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू वन. नाउ वी कैन राइट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर. यहां पर सॉल्यूशन ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मींस मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए डॉट बी एंड बी डॉट ए बोथ आर सिमिलर. ए डॉट बी एंड बी डॉट ए बोथ आर सिमिलर. सो वी कैन राइट इट सिमिलरली टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बिकॉज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बोथ आर सेम. तो हम उन्हें एड कर सकते हैं. ओके ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए. नो बी डॉट बी इज मॉड ऑफ बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन. वॉट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी? यस बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर सो देयर मैग्नीट्यूड इज वन. वन प्लस टू ए डॉट बी प्लस वन इज इक्वल टू वन. नाउ टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वन टू वन कैंसिल वन इज इक्वल टू माइनस वन. सो मैग्नीट्यूड वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन टू. नाउ ओपन ए डॉट बी सो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी cos theta is equals to minus 1 upon 2. Value mod of b की कितनी होगी? 1 होगी. Mod of b की value 1 होगी. So we get cos theta is equals to minus 1 by 2. Okay. Cos theta is equals to minus 1 by 2 means 120 degree. Means 120 degree. Because in second quadrant, the value of cos theta is negative. If you say, okay, value negative होती है आपकी second or थर्ड क्वाड्रेंट में. तो ऑप्शन मैच करता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट से तो हम उसी को मार्क करेंगे. इसके अनदर भी आंसर हो सकते थे. कॉस और साइन की वैल्यूज आपकी चलती रहती है बिकॉज ये दोनों कैसे फंक्शन होते हैं? पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के. ओके खैर वो सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस करेंगे. यहां पर हमारी कॉस थीटा की वैल्यू माइनस वन बाय टू है सो दैट एंगल इज टू पाई बाय थ्री. एंगल इज टू पाई बाय थ्री. पाई बाय थ्री नहीं होगा विष्णु, पाई बाय थ्री नहीं होगा. ओके क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आती तो हम पाई बाय थ्री लिखते बट हेयर वी गेट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस वन बाय टू. एंड आप टेबल को रिफर करिए ट्रिग्नोमेट्री की. नाउ क्वेश्चन सेज, नेक्स्ट क्वेश्चन सेज इफ आई कैप जे कैप के कैप आर यूजुअल थ्री परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर. यस यू ऑल नो आई कैप आपका एक्स एक्सिस में डायरेक्शन में है, जे कैप आपका वाई एक्सिस एंड के कैप जेड एक्सिस में और बोथ आर ऑल ऑफ थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ऑल ऑफ थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई कैप जे क्रॉस के, जे कैप आई क्रॉस के एंड के कैप आई क्रॉस जे. डू इट फास्ट. मैंने आपको एक सर्कुलर अरेंजमेंट बताया हुआ था इसका आई कैप जे कैप एंड के कैप. क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक रोटेशन में मैंने डिस्कस किया हुआ था ये चीज. क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिस्कस किया हुआ था. जब हम क्लॉकवाइज लेंगे सो हम एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंड एंटी क्लॉकवाइज में हमें क्या साइन उठाना है? पॉजिटिव साइन को पिक करना है. ओके पॉजिटिव साइन को पिक करना है. सो इससे क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा. डू इट फास्ट. जीरो? नो. प्रदीप, निखिल, अशरफ प्लीज चेक योर आंसर. जीरो तो नहीं होगा. चेक योर आंसर. हर्षदीप ऑप्शन सी. ओके आकृति ऑप्शन डी थ्री. ओके ऑप्शन सी. ओके वन. ओके प्रभाकर. ओके चलिए देखते हैं यहां पर बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस आते हैं. ओके चेक करते हैं. सो आई कैप डॉट जे कैप क्रॉस के कैप. ओके प्लस जे कैप डॉट आई कैप क्रॉस के कैप एंड प्लस के कैप डॉट I cap cross J cap. Okay, what is the value of J cross K? So J cross K is equals to positive I cap plus J cap. I cross K. So I cross K. This is I. I cross K is equals to minus of J cap, negative of J cap plus K cap dot I cross J. I cross J anticlockwise. I cross J is equals to positive of K cap. Now I dot I 1 J dot minus J minus 1 K dot K. One to one, option C is right. Okay, yes. No, Yashwant, check your answer, correct your solution. Two is not given in the answer. Okay, do to option mein hi nahi hai hamara. Okay, Vinay Kumar, second bhi nahi hoga. Okay, answer is one. Now solve this question. If theta is the angle between two vectors and A vector and B vector, then A dot B is equals to A cross B, then what is the theta? Okay. If I say dot product of two vector, magnitude of dot product of two vector and magnitude of dot product cross product of two vector are equal. That what you can say about angle between these vectors, A vector and B vector, what you can say? Yes, Preeti, one is right answer. Priyanshu, yes. Yashwant, correct your answer. 3 is not right answer.
बिकॉज माइनस जे कैप इंटू जे कैप इज माइनस वन और वो आपका क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा. ओके नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन हेयर. ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी. ओके मोस्टली स्टूडेंट्स गिव्स द आंसर ऑप्शन बी अशरफ 90. ओके 90 तो नहीं होगा अशरफ. चेक योर ऑप्शन, चेक योर आंसर. ओके चेक योर करेक्ट योर सॉल्यूशन. ओके यस विष्णु नीतीश. ओके शुभम 45. ओके दिव्या 45. यस ऑप्शन बी 45 डिग्री. यस एवरीवन इज राइट. कैसे सॉल्व हुआ आइए देखते हैं. सो वैल्यू ऑफ ए डॉट बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा एंड वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का साइन लगा इसलिए एन कैप पर भी क्या आ जाएगा मैग्नीट्यूड. ओके तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कैंसिल, मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ बी कैंसिल, कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा एंड वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ एन कैप इज इक्वल टू वन, मैग्नीट्यूड ऑफ एन कैप इज इक्वल टू वन. सो Here we go. Tan theta is equals to. If I divide cos theta to sin, हमने divide किया sin के नीचे cos को, तो हम कितना पाएंगे? Tan theta equal to 1. So theta is equals to pi by 4. Because at pi by 4, at pi 45 degree, value of tan theta is equals to 1. Value of tan theta is equals to 1. Option B is right. Yes, Nikhil, option B is right. Now move to another question. Yes. The next question says that the area of the triangle whose adjacent sides are A vector and B vector is. डू इट योर सेल्फ पॉइंट टू पॉन्डर में हमने इसे बताया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सभी इसे ऑपरेट करेंगे. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो इक्वल होता है 1/2 मॉड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. फर्स्ट ऑल ऑफ यू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. ओके सो आई कैप जे कैप एंड के कैप एंड राइट द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर 3, 1, 4, 1, -1 and 1. Do it fast. Yes, खुशबू हो गया pi by 4. Move on करिए इस next question पर. Okay. The next question says that the area of the triangle. You have to find the area of triangle whose adjacent sides are given. A vector is equal to 3i cap plus j cap plus 4k cap and B vector is i cap minus j cap plus k cap. Okay. So area of vector, yes, 0.5 a cross b. Modulus of a cross b basically. Modulus of a cross b. Do it fast everyone. Which option is right? Which option is right? Do it fast. Do it fast. I am waiting for your answers. Simpi Kumari gives option 1. Okay. Simpi Kumari. इन्होंने सबसे पहले आंसर दिया है ऑप्शन ए. ओके चेक करते हैं क्या ये सही है और गलत है. डू इट फास्ट एवरी वन. डू इट फास्ट. ओके लेट चेक करते हैं इसको. सो A क्रॉस B की वैल्यू को हम चेक करते हैं. ओके गुंजन ऑल्सो गिव्स ऑप्शन ए. ओके नसीफ ए. वेरी गुड प्रियांशु चौधरी. ओके ऑप्शन ए. लेट अस चेक करते हैं इसे. सो I कैप. ओके हाइड दिस रो एंड कॉलम्स 1 + 4 = 5 माइनस J कैप हाइड दिस कॉलम्स 3 - 4 एंड प्लस K कैप हाइड दिस कॉलम्स एंड रो -3 - 1. ओके so here we get value of a cross b which is 5i cap 3 - 4 - 1 - 1 plus j cap -3 - 1 - 4k cap. so this is the value of a cross b. now find the magnitude of a cross b. so magnitude of a cross b is equals to under root of 5 square 25 1 square 1 and 4 square 16. so we get magnitude of a cross b is equals to 42 root 42 2. So what is the area? So area is equals to 1/2 into √42. 1/2 into √42. So option A is right. Option A is right. Very good, Simpi. Option A is right. Sweety, Prateek. Okay. Preeti, Anurag. Yes. One aa raha hai. Very good, Pradeep. Yes, Nitish. Yes. All of you are right. Option A is right. Option A is right. So basically, area of triangle is 1/2 A cross B. Now, This is very basic question. Okay, this is very basic question. हंसी आ रही है ऐसे question पे. सभी के सभी अभी तुरंत कर देंगे. Okay, do it fast and option इसके जो भी options correct है आप सभी comment करिए. Okay, the magnitude of the vector 6i cap plus 2j cap plus 3k cap. The magnitude of vector. So magnitude is 6 square plus 2 square plus 3 square. If I say what is the direction ratio of the given vector? What is the direction ratio of the given vector? Yes. 6
If I say direction ratio, then 6, 2, 3 are the direction ratio of the vector. Are the direction ratio of the vector. Okay. Now, add these squares. So, 6 square 36 plus 4 plus 9. So, we get 49. Root of 49 is equals to 7. So, the correct answer is 7. The correct answer is 7. In this question, if I say what is the value of L, what is the value of M, what is the value of N? If I say what is the value of direction cosines, L, M, N, what do you say? Yes. Option B is right for magnitude of vector. मैंने एक और चीज पूछी है आपसे कि what is the value of L, M, N? Yes, simply yes, 6 to 3 is the direction ratio of the vector. Yes, okay. हाँ अंशिका, अब आपके जितने भी assignment questions होंगे discuss किए जाएंगे. ओके सेशन के लास्ट में हम उसे भी कंसीडर करेंगे. चलिए हरी 6 to 3, यस दीज आर द डायरेक्शन रेशियो. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल एम एन? ओके असाइनमेंट वन में कुछ क्वेश्चन में डाउट है. ओके बेसिकली सेट के असाइनमेंट में आपको डाउट है, डिस्कस कर लिया जाएगा. आप टेलीग्राम पे इसे सेंड कर सकते हैं, वहां भी हम इसे देख पाएंगे. अदरवाइज अगले सेशन में हम दोनों ही असाइनमेंट्स को कंसीडर करके चलेंगे अपने सेशन में. ओके यस सिंपी यस ओके यस Yes, Ravi Ranjan, all of you are right. Yes, L is equals to 6 by 7, M is equals to 2 by 7, and N is equals to 3 by 7. Yes, these are the direction cosine. If I ask to you, if cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1, what is this? L square plus M square plus N square is equals to 1. L square plus M square plus N square equal to 1 means cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma. Sir, assignment question का level थोड़ा अच्छा है, please वो solve कराएं. जरूर नम्रता जरूर, हम अब sessions में अपने सभी से मैं कह रहा हूँ, फिर से repeat करने की आपको need नहीं है. Okay, energy को save करिए अपनी. हम next session से अपने सारे assignments को आपके साथ consider करके चलेंगे discussion class के अंदर. Okay, so don't worry about that. Okay, उसके लिए worry नम्र होइए. So here आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन मैं पूछने जा रहा हूं, प्लीज इस पर ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, प्लीज. ओके टेक इट सीरियसली. cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1, देन व्हाट यू से अबाउट sin स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर बीटा प्लस sin स्क्वायर गामा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? If cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma is equals to 1, this is the basic property of direction cosine. L square plus M square plus N square equal to 1. Then what you say about sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma? Comment me fast. What is the value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma? Okay. Bahut hi important hai relation. Okay. Vishnu says 1. Pradeep says 2. PG also says 1. Okay. Let's see. Equally inclined. No, equally inclined नहीं. अगर vectors equally inclined होता है x-axis से, तो मैंने इस problem को concept class में कराया हुआ है, तब direction cosine की value 1 by root 3 means alpha equal to beta alpha to gamma होता है. मैंने आपसे पूछा है what is the value of sin square alpha, sin square beta, sin square gamma. Mostly students gives right answer. No, Anshika, 0 is not right answer. Yes, 2 is right answer. Yes, Pritha, 2 is right answer. 2 is right answer. You have to use only a basic property that cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. Cos square theta is equals to 1 minus sin square theta. Apply it and solve it, then you get value 2. Yes, cos theta. Yes, Pritha, 1 minus sin square theta. Very good. So, value of sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma is equal to 2. Is equal to 2. Remember it. ओके इसको भी आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सेज दैट द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट पी एंड टर्मिनल पॉइंट क्यू. ओके सो क्यू वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट आपको दे रखा है, मैं लिख देता हूं एक बार, शायद वो आपको ना दिख रहा हो, हाइड हो रहा हो. ओके सो क्यू वेक्टर एंड पी वेक्टर आर गिवन. पोजीशन वेक्टर पी इज 2, -3 and 5 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू इज 3, -4, 7. देन द वेक्टर विथ, अच्छा तो आपको बताना है बेसिकली इसके अंदर कि PQ वेक्टर क्या होगा. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पोजीशन वेक्टर, कॉन्सेप्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर. PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू Q वेक्टर माइनस P वेक्टर. ओके बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपका ये, डू इट फास्ट, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है. ओके यस 3 - 1 इज इक्वल्स टू 2. नाउ कम ऑन दिस क्वेश्चन, डू इट फास्ट, जल्दी से जल्दी सॉल्व करेंगे इसे.
सभी के सभी। सो p हमें गिवन है, q हमें गिवन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q माइनस p, यू हैव टू रिमेंबर ओनली वन थिंग, उसका उसी से i कैप के साथ सबट्रैक्ट करेंगे, j कैप को j कैप के साथ एंड k कैप को k कैप के साथ। सो फटाफट करते हैं इसे, ओके डू इट फास्ट, यस यस यस, वेरी गुड, ऑप्शन ए, यस यस यस, ऑल ऑफ यू आर राइट, ऑप्शन ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट। आपको इसके अंदर पूरा सॉल्व करने की भी नीड नहीं है, हम केवल पहले ही एलिमेंट से जान जाएंगे। 3 माइनस 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 माइनस 2, 1, सो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, दैट मींस 1 आई कैप, सो ऑप्शन ए इज राइट। आपको बाकी सारे ऑप्शन देखने की भी नीड नहीं है, ऑप्शन ए इज राइट, यस ऑप्शन ए इज राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड प्रॉब्लम, क्या कहती है प्रॉब्लम, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई कैप माइनस जे कैप एंड जे कैप माइनस के कैप इज, यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ ए डॉट मॉड ऑफ बी, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, बेसिकली ए डॉट बी इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए इनटू मॉड ऑफ b. Now, what is a vector here? Let us consider a vector is i cap minus j cap and what is b vector? B vector is j cap minus k cap. A vector is i cap minus j cap. Okay. Now, do it fast. What is the modulus of a here? Magnitude of a vector is under root 1 plus 1, which means root 2. And magnitude of b is also equals to 1 plus 1 means root 2. Magnitude A and B is root 2. Now, cos theta is equals to operate A dot B. Operate A dot B. Yes. 2 pi by 3. Okay, check karte hain yahan par. Abhi hum check karte hain. Kaun sa option sahi hoga. So, cos theta is equals to A dot B. So, dot karayenge to uska usi se. So, K aur I to hai nahi presence dono mein. So, hum kiska dot karayenge uska usi se means J ka J se. So, J into minus J cap is unit. Bas negative mein hoga. Okay, J into minus J cap is equal to minus of 1 and magnitude root 2 into root 2. So, we get cos theta is equals to minus 1 by 2 because root A into root A is equals to A, root A is equals to root A, A. So cos theta is equals to minus 1 by 2, cos theta is negative in third quadrant in and second quadrant third quadrant mein se hi koi hamara answer hone wala hai. So answer is 2 pi by 3, answer is 2 pi by 3, 120 degree, okay, yes, Sanchit, Suti, yes, all of you are right, option B is right, answer is 120 degree. Now solve this question, the value of lambda for which the two vectors 2i cap minus j cap plus 2k cap and 3i cap plus lambda j cap plus k cap are perpendicular. What is the condition for perpendicularity of two vectors? You all of us know, हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ इसे, if two vectors are perpendicular to each other, then a vector dot b vector is equals to zero. सिंप्लीफाई करिए आप इसे, डॉट प्रोडक्ट को जीरो के इक्वेट करिए एंड देन यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा, डू इट फास्ट एवरीवन, यस डू इट फास्ट एवरीवन, डू इट फास्ट, डू इट फास्ट, ओके ओके ओके, ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, यस नचिकेत यू आर राइट, यस अभिषेक, यस पृथा, यस ए टू डी, ओके एट मीन्स ऑप्शन डी इज राइट, यस चलिए चेक करते हैं, ओके सो ए वेक्टर हियर, ए वेक्टर इज हियर, ए वेक्टर इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, हियर ए वेक्टर इज 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप एंड b वेक्टर इज 3i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप, ओके दिस a एंड b वेक्टर, अनुराग आप एक ही बार अगर लिखेंगे d तो भी समझ आ जाएगा, ओके डी डी करने की कोई नीड नहीं है बेटा, चलिए सो ए डॉट बी, ए डॉट बी इज इक्वल्स टू उसका उसी से, तो 3 टू 6 माइनस लैम्डा इंटू माइनस 1 लैम्डा 2 इंटू 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 0, 6 प्लस 2 8, 8 माइनस लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इज इक्वल्स टू 8, सो लैम्डा इक्वल्स टू 8 मींस ऑप्शन डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट, यस प्रीति, यस शिवम, यस ऑल ऑफ यू आर राइट, ऑप्शन डी इज राइट, ओके नाउ next question says if a vector is equals to 8 and b vector is equals to 3 and a cross b vector is equals to 12 then what is the value of a dot b, okay so sabse pehle hum kya karenge, hum apni ek property ko yahan par mention karenge, basically thoda sa missing hai, okay so aap sabhi isko apne notebook mein note kar lijiyega, okay property kehti hai a vector cross b vector ka square plus mod of a vector dot b vector ka square
इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर स्क्वायर डॉट मॉड ऑफ बी स्क्वायर. ओके, बेसिकली ये प्रॉपर्टी बनी हुई है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है. सो उसी बेसिक कॉन्सेप्ट से प्रॉपर्टी ये बनाई गई है. ओके, अगर आप क्रॉस देखेंगे तो उसके अंदर साइन थीटा होता है, उसकी वैल्यू निकालिए. अगर आप डॉट देखेंगे उसके अंदर कॉस थीटा होता है, उसकी वैल्यू निकालिए. दोनों के स्क्वायर का सम कर दीजिए, आप इस प्रॉपर्टी पर आ जाएंगे. ओके, सो यूज दिस प्रॉपर्टी. यस नुसरत, यू आर राइट, यूज दिस प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी का स्क्वायर. इसको नोट भी कर लेंगे आप अपने नोटबुक में. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये. ए क्रॉस बी का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर डॉट मॉड ऑफ बी स्क्वायर. ओके, सो इसे मेंशन कर ले. ओके, बेसिकली दिस इज द रिलेशन बिटवीन क्रॉस एंड डॉट, रिलेशन बिटवीन क्रॉस एंड डॉट. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. ओके, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ ए क्रॉस बी? 12. तो 12 स्क्वायर प्लस a डॉट b का स्क्वायर हमें फाइंड करना है. ओके, सो हम उसे वैसे ही लेके चलेंगे. मॉड ऑफ a वेक्टर डॉट b वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर 64 एंड मॉड ऑफ b स्क्वायर इज 3. मतलब बेसिकली स्क्वायर ऑफ 3 इज 9. बेसिकली स्क्वायर ऑफ 3 इज 9. ओके, सो बेसिकली यहां पर हम कैलकुलेशन को रॉ रखेंगे. रॉ मींस जब भी आप रूट रूट की प्रॉब्लम सॉल्व करें तो कैलकुलेशन पूरी पूरी मत करें, ताकि आपको थोड़ा कम टाइम लगे. हम कैलकुलेशन को थोड़ा सा रॉ रखेंगे. बेसिकली इफ आई से लेट 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 ए डॉट बी इक्वल टू एक्स, देन दिस इज एक्स स्क्वायर, देन दिस इज एक्स स्क्वायर. सो 12 स्क्वायर 144 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 64 into 9. Okay, don't multiply it. इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, और बहुत ही जल्दी सॉल्व करेंगे. नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 64. बेसिकली सब्ट्रैक्ट ब्रेक कर दिए 64 को दो पार्ट में. 16 into 4 into 9 minus 144. बेसिकली 16 9s are 144. So we take common 144. Okay, हम आसानी से 144 को कॉमन ले सकते हैं. व्हाट वी गेट? 4 माइनस 1. ओके, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 इंटू 3. नाउ वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 144 इंटू 3. व्हाट इज द रूट ऑफ 144 इज 12 इंटू रूट 3. दिस इज द करेक्ट आंसर. सो ऑप्शन सी इज राइट. ऑप्शन सी इज राइट. निखिल, प्रीति, रोहित, रवि रंजन, यस ऑप्शन सी इज राइट. वेरी गुड निखिल, वेरी गुड प्रीति, प्रतीक, ओके अवनीश, यस ऑप्शन सी. नचिकेत, ऑप्शन सी, यस यस यस. पीजी, यस ऑप्शन सी इज राइट. ऑप्शन सी इज राइट, यस एवरीवन. ओके, सभी लोग कमेंट किया करें प्लीज क्वेश्चंस को. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट. ओके, क्या सभी को वेक्टर का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ रहा है? आप सभी को कमेंट करिए. क्या कंसाइज वाली क्लास जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लास थी काफी हेल्पफुल रही? ओके, अगर असाइनमेंट नहीं लग रहे हैं तो वो सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस हम लोग आपके जो नेक्स्ट लेसन क्लास होगी उसमें डिस्कस कर लेंगे. ओके, उसके लिए वरी मत होइए आप लोग. क्या सेट थ्योरी अच्छे से समझ आई आप सभी को? सेट थ्योरी क्या सभी को आई है? प्लीज कमेंट अस सो दैट हम उस पर और काम कर सकें अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो. ओके, अदरवाइज आप लोग डाउट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल सकते हैं. ओके, तो वहां पर कुछ बच्चे सॉल्व कर देते हैं, बाकी हम लोग भी हैं सॉल्व कर दिया करेंगे. ओके ओके, नाउ मूव टू दिस क्वेश्चन. सो दिस क्वेश्चन सेज दैट द नॉन जीरो वेक्टर्स. यस सर, ओके, यस यस यस, ओके ओके, यस यस यस, ओके, थैंक यू एवरीवन. ओके, सो इट्स हेल्पफुल टू यू. ये सभी आपके लिए हेल्पफुल थी. यस, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू विपिन, यस थैंक यू. ओके, नाउ कम टू द पॉइंट. हम फिर से अपने क्वेश्चंस पर आ जाएंगे. ऑल गुड सर, ओके नचिकेत, ओके 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 ओके. अच्छा, प्रभाकर ने तो आंसर भी कर दिया है. एंगल इज पाई, बेसिकली 180. ओके, चलिए आ जाते हैं. प्रभाकर का कहना है, क्वेश्चन पे वापस आते हैं. ओके, सो द नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर रिलेटेड बाय ए वेक्टर इक्वल टू 8 बी वेक्टर एंड सी वेक्टर इक्वल टू माइनस 7 बी वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन ए एंड सी. ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. बेसिकली ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 बी वेक्टर. मैंने ऐसे ही कुछ शुरुआत में डिस्कस किया था आपसे, स्टार्टिंग के सेशन के स्टार्टिंग में कुछ डिस्कस किया हुआ है. ओके, नाउ ए वेक्टर इज इक्वल टू 8 बी वेक्टर. सो बेसिकली A and B vector are parallel. A and B vector are parallel because it looks like something. A vector is equals to lambda vector, where lambda is equals to 8. So A and B are parallel vector, but magnitude of A is 8 times magnitude of B. Is 8 times magnitude of B. So we can draw it like this. Okay. So this small vector is B vector and this big vector is A vector. Now C vector is equals to minus of 7 B vector. C vector is equal to minus of 7 B vector. So we can draw here C vector, which is एक मिनट, जिसका magnitude क्या है? 7 time greater है. 7 time
ग्रेटर है आपके बी से, सो सेवन टाइम ग्रेटर है, दिस इज सी वेक्टर, बट डायरेक्शन ऑफ सी इज रिवर्स बिकॉज हेयर वी सी अ माइनस साइन, हेयर वी सी अ माइनस साइन, तो माइनस साइन इज इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर इज रिवर्स विद रिस्पेक्ट टू बी वेक्टर, बी वेक्टर के रिस्पेक्ट में जो डायरेक्शन है सी वेक्टर की वो क्या है रिवर्स, बी वेक्टर अगर ऊपर जा रहा है तो सी वेक्टर नीचे आ रहा है, तो सो द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज पाई, बेसिकली 180 डिग्री, लेट से ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये कैसे हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इनके बीच में एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री, जैसे अगर मैं भी यहां से अगर अबाउट टर्न लेता हूं, मेरी डायरेक्शन इधर है, अब जैसे मैं मूव करता हूं तो मैं कितने डिग्री का एंगल बना के मूव करूंगा 180 डिग्री का, ओके, सो इनके बीच में भी 180 है, सो एंगल बिटवीन ए एंड सी इज ऑल्सो 180 डिग्री, सिंपली यू कैन सॉल्व इट बाय माइनस साइन, सो आंसर इज पाई, ऑप्शन ए इज राइट, वेरी गुड प्रदीप, यस शुभम, यस हरीश, यस आंसर इज Yes, all of you are right. Yes, Nachiket, option A is right. Yes. Yes, everyone, option A is right. Okay, okay, option is right. Option A is right. Yes, option A is right. Now, move towards next question. Okay, next question says that if the vectors A vector, B vector and C vector, all the values of components of vectors are given here. Okay, so are mutually orthogonal. What do you mean by orthogonal? What do you mean by orthogonal? हमने इसे कॉन्सेप्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर नॉर्मल आर द सिनोनिम, ओके, बेसिकली दे आर द सिनोनिम, ये सारे के सारे क्या होते हैं सिनोनिम होते हैं हमारे वेक्टर के, ओके, इस वर्ड के सिनोनिम है ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर नॉर्मल, ये सारे क्या है हमारे सिनोनिम्स हैं बेसिकली, सो एंगल इज 90 डिग्री, मतलब ऑल ऑफ थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऑल ए बी एंड सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यस यस रचित, यस नॉर्मल, यस परपेंडिकुलर, यस ये क्या होते हैं परपेंडिकुलर होते हैं हमारे, सो अगर ये तीनों वेक्टर हमारे क्या हैं परपेंडिकुलर हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, डू इट योरसेल्फ एंड डू इट फास्ट ऑल्सो, आप सभी से बहुत तेजी से करें क्योंकि यहां पर क्या है बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट लगना है, यस यूटी परपेंडिकुलर होने वाला है, सो अगर परपेंडिकुलर है तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट क्या होंगे आपस में जीरो के बराबर, मींस ए डॉट बी हियर ए डॉट बी इक्वल टू जीरो, बी डॉट सी इक्वल टू जीरो, एज वेल एज ए डॉट सी इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, यू हैव टू फाइंड द राइट आंसर, डू इट फास्ट, ओके, हियर वी कैन से ए परपेंडिकुलर टू बी परपेंडिकुलर टू सी, ऑल ऑफ दीज आर परपेंडिकुलर, बेसिकली दे आर लाई ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर सिस लाइक एक्स वाई जेड, ओके एक्स वाई जेड, so a is perpendicular to b means a dot b equal to 0, b is perpendicular to c means b dot c equals to 0, and a is perpendicular to c means a dot c equals to 0, a dot c equals to 0, okay, so yahan par aapki dot work karne par lambda mein aapki do equations banengi basically, aur use hum 10th class ke concept se kya karenge solve karenge substitution ya elimination method ko use karke, substitution ya elimination method ko use karke, yes Rachit, okay, Rachit gives answer a, okay, let's check which is right, Rohit also says option A, Shubham, okay, option A, Ravi Ranjan, बहुत अच्छी एनर्जी है सभी की, बहुत ही तेज कर रहे हैं, रवि रंजन, अविनीश, वेरी गुड, बहुत ही तेज कर रहे हैं सभी के सभी, यस यस ऑप्शन ए, यस 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 यस, ओके ऑप्शन ए, ऑप्शन ए प्रियांशु says ऑप्शन से, ओके शुभम वर्मा also says ऑप्शन ए, ओके लेट्स चेक which ऑप्शन इज राइट नाउ, हम जा रहे हैं इसे सॉल्व करने, ओके, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, बिकॉज कोई भी उसके अंदर लैम्डा म्यू नहीं चल रहा है, लैम्डा और म्यू केवल सी में है, सो वी हियर वी ऑपरेट ओनली बी डॉट सी एंड ए डॉट सी, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट सी, वैल्यू ऑफ ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा इनटू 1, लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0, सो हियर लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 1, हियर वी गेट लैम्डा प्लस 2 म्यू इक्वल टू 1, लैम्डा plus 2 equal to 1, this is our first equation, this is our first equation, now operate b dot c equals to 0, b dot c equals to 0, okay, now operate b dot c means 2 into lambda, basically 2 lambda, 4 into j, 4 and k cap into mu k cap, that is mu equals to 0, here we get 2 lambda plus mu is equals to minus of 4, here second equation, okay, ye hamari kaisi equation hai, second equation hai, okay, you have to solve these equation with the help of substitution method or elimination, okay, aap jo bhi lagana chahe pair of lines ka method aap se laga sakte hain, okay, so here, okay, ab hum kya karne wale, main jo use karunga, okay, main elimination lagane ja raha hu method, okay, so hum kya karenge equation 1 ko 2 se multiply karenge, what we get 2 lambda plus 4 mu is equals to 2 and first another equation 2 lambda
प्लस म्यू इज इक्वल टू 4. नाउ सब्ट्रैक्ट दिस इक्वेशन 2 to 2 कैंसिल हो जाएगा. 4 लैम्डा माइनस लैम्डा, सॉरी 4 म्यू माइनस म्यू, 3 म्यू इज इक्वल टू 4 माइनस 2. ओके सॉरी माइनस 4 है. ओके यहां पर क्या है, माइनस 4 तो माइनस माइनस, प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2 दैट इज 6. तो म्यू इज इक्वल टू 3. म्यू इज इक्वल टू 3 एंड लैम्डा की वैल्यू, आप म्यू की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो लैम्डा आपको कितना मिल जाएगा, सॉरी म्यू की वैल्यू 2 है, सॉरी पार्डन मी प्लीज, म्यू की वैल्यू 2 होगी, 3 टू 6, ओके लैम्डा 2 माइनस 3. सो आंसर ए इज राइट, ऑप्शन ए इज राइट, लैम्डा इज माइनस 3. यस ऑल ऑफ यू आर राइट, लैम्डा इज माइनस 3 एंड म्यू इज इक्वल टू 2. म्यू इज इक्वल टू 2, सभी को समझ आया ये? ओके आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट. ओके नाउ मूव टू यस यस प्रीतिका, ओके ओके प्रीथा यस. ओके नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. This question says that let A vector, B vector and C vector be 3 unit vector such that A cross B cross C is equals to root 3 by 2. It is root 3 by 2. Okay, it is root 3 by 2. A cross B cross C is equals to root 3 by 2 B vector plus P vector. Okay, so इससे पहले आप इसे solve करें, मैं आपको vector triple product की एक property बता देना चाहता हूँ. Basically vector जो होता है आपका dot product, scalar ये भी होते हैं, साथ ही साथ अगर आप तीन vector का product करते हैं तो scalar triple product and vector triple product भी perform होता है. खासकर इसके question बहुत ही कम पूछे जाते हैं, ना के बराबर आते हैं, फिर भी हम discussion class है तो एक आध question इसके ले लिए हैं ताकि आपको इसके concept के बारे में थोड़ा बहुत पता. ओके सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी. सो हियर इज द प्रॉपर्टी ए क्रॉस बी क्रॉस सी. ओके देन ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल्स टू ए डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर. ओके सिंपली मल्टीप्लाई बी. ओके यहां से आप एक स्केलर वैल्यू पाएंगे उसको बी से मल्टीप्लाई करिए एंड माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर सी वेक्टर. ओके सो यूज दिस प्रॉपर्टी एंड सॉल्व दिस question. The question says that if B vector is not parallel to C vector, then the angle between A and B, you have to find the angle between A and B vector. You have to find the angle between A and B. So you have to operate A dot B. You have to operate A dot B. With the help of this property, solve this question. Do it fast everyone. Without using any help from other resources like Google Lens, okay. Doubtnet है ना, ये सब आजकल ज्यादा कर लेते हैं आप सभी. सो इससे आपका नुकसान है, आपका एग्जाम है, सो उसके लिए डेडिकेटेड रहिए. जो भी डाउट्स हैं वो हमसे पूछिए आप. ओके सॉल्व करिए सभी के सभी. ऑप्शन सी 5 5 6. वेरी गुड प्रभाकर मंडल. ऑप्शन सी वेरी गुड. इंप्रेसिव प्रभाकर, वेरी गुड. चलिए मैं सॉल्व करता हूं इसको. सो वी कैन राइट ए क्रॉस बी क्रॉस सी एज ए डॉट डॉट सी डॉट बी माइनस. ओके सो वी कैन राइट इट. सो हियर वी कैन ऑपरेट ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई रूट थ्री बाय टू बी वेक्टर प्लस रूट थ्री बाय टू सी वेक्टर. ओके इफ यू गोइंग टू कंपेयर दीज इक्वेशन दीज एक्सप्रेशन, अगर हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर करते हैं व्हाट वी गेट. सो कंपेयर दिस इक्वेशन, ए डॉट सी इज इक्वल टू रूट थ्री बाई टू बिकॉज बी टू बी इज सिमिलर, हेयर सी टू सी इज सिमिलर, हेयर सी टू सी इज सिमिलर. देन कंपेयर दीज टू इक्वेशन, सो यू गेट माइनस ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू. व्हाट यू गेट, माइनस ऑफ ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू रूट थ्री बाय टू ऑन कंपेयरिंग दिस इक्वेशन. So we can write it a vector dot b vector is equals to negative of root 3 by 2. Yes or no? Negative of root 3 by 2. Now operate. Okay. So here a vector, b vector, c vector are unit vector. So that magnitude of a, magnitude of b and magnitude of c equal to 1. Magnitude of a, b, c equal to 1. So we can write it mod of a dot mod of b cos theta is equals to negative of root 3 by 2. So magnitude of A vector, magnitude of B is equal to 1. So we can write cos theta is equals to negative of root 3 by 2. So negative of root 3 by 2 means 150 degree. Negative of root 3 by 2 means 150 degree. Second quadrant mein jayega hamara angle. So answer is in radian measurement is 5 pi by 6. Is 5 pi by 6. Yes, Priyanshu Chaudhary. Yes, Pradeep. Okay. Answer is 5 pi by 6. Very good. Pradeep, answer is 5 pi by 6. Very good. Move to another question.
इफ द वेक्टर्स ए बी इज इक्वल टू 3i कैप 4k कैप एसी वेक्टर, बेसिकली दीज आर द वेक्टर्स एसी वेक्टर एंड ए बी वेक्टर, 3i कैप प्लस 4k कैप एसी वेक्टर, 5i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप आर द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी, आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रो ए, देन द लेंथ ऑफ मीडियन थ्रो ए. सो इट इज ऑल्सो अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. यस आई रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी एज बीएसी सीएबी. यस 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 ओके यस इट इज इन क्लास 12. दिस इज अ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू क्लास 12. बेसिकली क्लास 12 के अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है आपकी. यस हाउ माइनस केम, बिकॉज जब हमने कंपेयर किया था इस क्वेश्चन को. एक मिनट विनय, लेट सी. ओके हाउ माइनस केम, बिकॉज ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल्स टू ए सी बी माइनस ए बी सी. ये प्रॉपर्टी है इसके, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की एक प्रॉपर्टी है विनय, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है. सो हमने प्रॉपर्टी अरेंज की हुई है, इसकी प्रूविंग की हमें कोई नीड नहीं है, बिकॉज इसकी नीड एग्जाम को भी नहीं है. आपके एग्जाम को केवल इस प्रॉपर्टी की नीड है. सो हम वही डिस्कस कर रहे हैं. ओके प्रूविंग बहुत लंबी जाएगी, उसका कोई यूज नहीं है हमारे एग्जामिनेशन में. सो हमारे लिए क्या होगा, वो वर्थलेस होने वाला है. ओके सो माइनस हमारी प्रॉपर्टी में आता है, तो उसी माइनस को जब हमने कंपेयर किया है, सो हमने क्या पाया कि माइनस ऑफ ए डॉट बी इक्वल्स टू रूट 3/2. फिर हमने माइनस को इधर मूव किया एंड सॉल्व कर दिया बेसिकली क्वेश्चन को. ओके normally solve किया हुआ है विनय. Now move to next question. The next question says that AB vector is equals to 3i cap plus 4k cap. Okay, J नहीं है तो J का coordinate को हम 0 assume करेंगे. And AC vector is equals to 5i cap minus 2j cap and 4k cap. AC vector is equals to 5i cap minus 2j cap plus 4k cap. Then what is the length of the median through A? तो बताइए अगर ये vertices हैं ABC किसी triangle के, तो median की length कितनी होने वाली है? तो मैं आप सभी से पूछता हूँ कि पहले बताइए ये क्यों? What is median? Median होती क्या है आखिर? What is median? What is median? What is median? Okay. What is median? Yes. Median is the bisector of opposite side. Basically, median is the bisector of opposite side. अगर आप किसी triangle में एक particular vertex से, किसी भी vertex से आप क्या करते हैं, एक bisector draw करते हैं opposite side पे, तो वो जो length होने वाली है उसी को क्या बोलते हैं, median बोलते हैं. So पहले हम थोड़ा सा triangle की property को देख लेते हैं and then फिर हम इस question को solve करते हैं. Here we have a triangle A, B and C and the median of it is from A, from vertex A is this. So this divides BC in 1:1. Basically bisect BC means BC को, yes, perpendicular on BC from A, no, perpendicular on BC नहीं होता है. देखिए प्रथा ध्यान से, अगर हमारा right angle वो एक normal triangle नहीं है, अगर हमारा triangle ऐसे है, सभी समझ लीजिए, perpendicular on opposite side is known as altitude of the triangle basically. Okay, yes, median is bisector. Shubham, you are right. Okay, Pritha, correct your explanation. Perpendicular on BC from A. Check. The perpendicular of A on BC is the height of the triangle, basically altitude of triangle. But median is bisecting at any angle. ये किसी भी angle obtuse या acute पर हो सकती है आपकी, और ये particular side को, opposite side को क्या करेगी? Bisect करेगी. Let's say if D is the length of BC, then D by 2 and D by 2. So basically this is the median. This is the median. So median cut the opposite side into equal parts. Into equal parts, so that it is called as bisector of BC. Basically you can say it bisector of opposite side. Bisector of opposite side. जिस vertex से draw करोगे उस opposite side का bisector होगा. खैर ये तो हमने समझ लिया है, अब हम question पर आते हैं थोड़ा सा. ओके आप इसे note कर लीजिए, हम question पर देखते हैं. So basically हमें क्या दे रखा है, sides दे रखी हैं vector के, position vector दे रखे हैं basically side के, और हमें क्या निकालना है, length of median find करना है. We have to find the length of median. So length of median निकालने के लिए basically हमें क्या चाहिए, हमें ये point चाहिए या इस point का position vector चाहिए. अगर हमें ये point मिल जाता है, so we can solve it by use of डिस्टेंस फॉर्मूला. यस प्रथा, ओके 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 नो प्रॉब्लम. ओके सो हम इसे डिस्टेंस फॉर्मूले से भी सॉल्व कर पाएंगे अगर हमें क्या मिल जाए, ये पॉइंट मिल जाए बी और सी का मिड पॉइंट. ओके एंड अगर हमें इसका पोजीशन वेक्टर मिल जाता है, तो भी हम पोजीशन वेक्टर के कॉन्सेप्ट से भी लेंथ का मैग्नीट्यूड करके लेंथ निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की हेल्प से. ओके चलिए मूव करते हैं. सो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, बेसिकली ए इज कॉमन टू बोथ वेक्टर. हियर यू कैन सी AB vector and AC vector. So A is same. So
दिस टाइप ऑफ ऐसे सवालों में जब भी आपको सवाल ऐसा दे दीजिए जिसके अंदर साइड्स के वेक्टर दे रखे हैं, तो बेसिकली साइड्स के वेक्टर कैसे बने होंगे? सिंपी सेज ऑप्शन बी, यस सिंपी यू आर राइट, यस सिंपी यू आर राइट, सिंपी कुमारी गिव्स द राइट आंसर, यस यू आर राइट, यस वेरी गुड सिंपी. ओके नाउ मीडियन थ्रो ए, वी हैव टू फाइंड मीडियन थ्रो ए. सो फर्स्टली एज्यूम ए एज ओरिजिन, एज्यूम ए एज ओरिजिन. एज्यूम क्या कर लेंगे, ए को जो भी कॉमन होगा हम उसे हमेशा क्या लेट करेंगे, ओरिजिन के साथ असाइन करेंगे. सो बी वेक्टर का जो आपका कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा आपका, डायरेक्टली इट बिकम्स वो 3i कैप + 4k कैप. बेसिकली कंपोनेंट में अगर हम बात करें 3, 0, 4 इट इज 3, 0, 4 3, 0, 4 बिकॉज जे इज मिसिंग. सो जो मिसिंग होगा उसे हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे. नाउ सी वेक्टर इज 5i कैप - 2j कैप + 4k कैप. सो कॉम्पोनेंट ऑफ सी इज 5, -2, 4 5, -2, 4 it is -2. Now, what is the midpoint? Use midpoint theorem. Okay, use midpoint theorem. So by use of midpoint theorem, 5 + 3/2, 5 + 3. So 5 + 3/2 is 4, -2 + 0/2 = -1, 4 + 4/2 = 4. So this is the coordinate of midpoint 4, -1, 4. Yes, Pradeep. Yes, you are also right. Now, the median is going through point M and O, and this distance is called as, this distance is called as length of median. This distance is called as length of median. So here we use distance formula. Distance formula says that under root x2 - x1 whole square + y2 - y1 whole square. Yes, Priyanshu. Yes. Yes, Pradeep. You are right. Yes. Yes. Okay. Yes. You all are right. Yes, Nachiket. Yes, Prabhakar. Yes. You all are right. Very good. Now, D is equals to x2 - x1 whole square, y2 - y1 whole square + z2 - z1 whole square. So we can write 4 - 0 square + -1 - 0 square + 4 - 0 square. So we get under root 16 + 1 + 16. It is equals to root 33. So root 33 is right. Now option B is right. Here option B is right. Yes, Avnish. Yes. Yes, Harish. Yes, yes. You all are right. Option B is right. Yes, Pritha. Midpoint is -4, -1. Yes, 4. Separated them by comma. Okay, separated them by comma. Now, move to another question. Now, next question says that if 2i cap, 6j cap + 27k cap and this vector equal to cross product. Basically, their cross product is 0 means their vector are parallel or कोलिनियर. शायद ये वेक्टर पैरेलल हो सकते हैं, कोलिनियर हो सकते हैं, ये क्रॉस ऐसा कहता है. और एक इसके इक्वल है, एक नल वेक्टर के इक्वल है. देन द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू आर, सो यू हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू. तो सिंपली ऑपरेट क्रॉस प्रोडक्ट आई कैप, जे कैप एंड के कैप. राइट द कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर 2, 6 and 27. एंड व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ सेकेंड वेक्टर इज 1, p and q. Now, operate the determinant. Okay, operate the determinant. Now, I cap, hide row and column, you get 6q - 27p. Okay, minus of j cap, hide them, minus j cap is 2q - 27 + k cap. Okay, hide k cap. Okay, k cap ko hide karenge to 2p - 6. Okay, and this value is equal to null vector. This value is equals to null vector. So what is null vector? Origins में जो vector हो या जिसके initial और terminal points क्या हो, same हो. So null vector होने वाला है. चलिए हम इसे compare करेंगे. तो i cap 6q - 27 - j cap 2q - 27 + k cap 2p - 6 is equals to 0i cap, 0j cap and 0k cap. Now compare coefficient of i with coefficient of i, उसका उसी से coefficient of j to coefficient of j and k का coefficient k के साथ. Okay, so if we compare coefficient of j, then minus of 2q - 27. Here we are compare coefficient of j to coefficient of j equal to 0. Then 2q - 27 = 0. Then we get the value of q, which is 27 by 2. Now compare this
विद के कैप. ओके हम इसे कंपेयर करेंगे तो 2p माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन यू गेट द वैल्यू ऑफ p व्हिच इज इक्वल्स टू 3. सो p हियर p इज इक्वल टू 3 एंड q इज इक्वल्स टू 27/2. ओके मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स सेज ओके. सो आंसर इज 27.2 एंड p इक्वल टू 3. सही कह रहे हैं आप. हम रेशियो भी यूज कर सकते हैं. यस नचिकेत, वी कैन वी यूज रेशियो. हम इसे रेशियो भी यूज कर सकते हैं अगर ये पैरेलल अगर ये पैरेलल वेक्टर है तभी इनका क्रॉस जीरो है और कोइंसाइड भी कर सकते हैं. ओके यस यू आर राइट, हम उसे भी यूज कर सकते हैं. यस हियर वैल्यू ऑफ p इज 3 एंड वैल्यू ऑफ q इज 27/2. नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. बेसिकली दिस क्वेश्चन इज बिलोंग्स टू फिजिक्स. ओके ये फिजिक्स का एक क्वेश्चन है बेसिकली. सो आपसे वहां पर कंपोनेंट रिजॉल्व किया जाता है जब आप फ्री बॉडी डायग्राम्स को सॉल्व करते हैं FBDs को बेसिकली. तो कुछ आप शायद फोर्सेस के कंपोनेंट्स आप ड्रॉ करते हैं. ओके सो वैसे ही कुछ है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वैसे ही यहां फोर्स के कंपोनेंट की बात हो रही है. चलिए सो व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल अलोंग अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. सो पार्टिकल से 60 डिग्री पर कंपोनेंट क्या जाएगा? यस यस संचित यू आर राइट, सीधा प्रोपोर्शनल करके. यस विपिन कुमार, यस विष्णु, यस सिटी, ऑल ऑफ यू आर राइट. ऑप्शन बी इज राइट. ओके नाउ हियर वी हैव अ फोर्स. बेसिकली दिस इज द बेस लाइन एंड दिस इज अ 5 न्यूटन फोर्स. बेसिकली वी हैव टू फाइंड द वर्टिकल कंपोनेंट. वर्टिकल कंपोनेंट मींस दिस कंपोनेंट. ओके वर्टिकल कंपोनेंट मींस दिस कंपोनेंट. सो बेसिकली दिस एंगल इज 60 डिग्री हियर गिवन. दिस वर्टिकल एंगल इज 60 डिग्री बिकॉज मोशन ऑफ पार्टिकल अलोंग वर्टिकल कंपोनेंट एंड एंगल इज गिवन बाय 60 डिग्री. देन व्हाट इज द आंसर? 2.5. यस 2.5 बिकॉज जब हम एंगल की तरफ वेक्टर क्लोज करते हैं देन वी यूज कॉस एंड जब हम एंगल के इधर आते हैं then we use sine. okay so this is the horizontal component and this is the vertical component. so vertical component force means fv is equals to 5 cos 60 degree basically 5 into 1/2 which is equals to 2.5 newton, which is equals to 2.5 newton. here option b is right. yes Preeti, yes Sweetie, yes you all are right. option b is right. 2.5 is right answer. now solve this question. Question says that the scalar product, basically you have to find simply the scalar product of two vectors. Scalar product of two vectors, do it fast and give the answer of this question. Very easy question. Okay, this is very easy question. Bahut hi basic question hai ye aapka. What is the value of A dot B? Do it fast everyone. Do it fast. ओके डू इट फास्ट. ओके 2.5. ओके हरीश सही हो गया है वाला. अब जरा इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं. यस 2.5 इज राइट. ओके -10. ओके अमित, ओके रंजन, ओके हर्षदीप, बी ऑप्शन बी. ओके ओके मैनी ऑफ द स्टूडेंट सेज ऑप्शन बी. नचिकेत -10. शुभम 10. ओके ओके -10. ओके ऑल ऑफ यू गिविंग द राइट आंसर. आई थिंक इट इज बी ऑप्शन बिकॉज एवरीवन गिव्स द ऑप्शन बी. यस ऑप्शन बी इज राइट. आई थिंक इसे तो सॉल्व करने की भी नीड नहीं थी. ओके यू कैन सॉल्व इट इजिली. 5 × 3 = 15, -4 × 1 = -4, 7 × -3 = -3, -21. सो -15 = 11, -21 व्हिच इज इक्वल्स टू -10. So value of A dot B equal to -10. You have to remember only one thing. उसका उसी से I cap का I cap के साथ, J cap का J cap के साथ and K cap का K cap के साथ multiplication. Now solve this question. This question is also अच्छा ये क्वेश्चन हम लोगों ने अभी ऐसे ही क्वेश्चन देखा हुआ है. ओके जहां पर हमने प्रॉपर्टी का यूज किया था. सो बेसिकली यहां पर भी हम उसी प्रॉपर्टी का यूज करेंगे. A cross B के mod का square is equals to plus mod of a dot b square is equals to mod of a square dot mod of b square. Basically this question depends on the relation between a cross b and a dot b. और ऐसा ही question हमने पहले देखा हुआ है. Okay, solve करिए. Do it fast. Okay, do it fast everyone. Yes Shyan, yes Avnish. Okay, yes Shyan. -10. Yes Sanjit. -10 Priyanshu. -10. Okay. सभी लोग कमेंट किया करें प्लीज अपने आंसर्स को.
बहुत से लोग यहाँ ज्वाइन है, काफी नंबर ऑफ स्टूडेंट ने ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन ऑप्शंस में मैं देखता हूँ नाम कुछ 15-20 बच्चों की रिपीट करते हैं। प्लीज सभी लोग सॉल्व किया करिए, सभी स्टूडेंट सॉल्व किया करिए इस क्वेश्चन को। बेसिकली ये प्रैक्टिस अभी करेंगे तो हमें एग्जाम में फायदा मिलेगा, अभी की प्रैक्टिस हमें फायदा देगी एग्जाम में। सिंपी ऑप्शन बी, यस चलिए डू इट फास्ट एवरीवन। सिंपी सेज ऑप्शन बी, ओके सो सिंपी सेज दैट ए डॉट बी इज इक्वल्स टू 7। चेक करते हैं, सिंपी ने सबसे पहले आंसर दिया, देन फिर प्रभाकर मंडल सेज ऑप्शन बी, चेक करेंगे अभी हम सब कौन सा ऑप्शन राइट होगा। विशेष, विशेष ने पहले दिया है ऑप्शन बी, प्रथा सेज ऑप्शन बी, आई थिंक सभी ने अब सॉल्व कर लिया है इसको और ऑप्शन बी आ रहे हैं। कमेंट चलिए देखते हैं। नाउ ए क्रॉस बी इट इज स्क्वायर ऑफ 35 प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी। सो ए डॉट बी हमें फाइंड करना है तो इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे थोड़ी देर के लिए एक्स। वी आर गोइंग टू लेट इट एज एक्स, सो इट इज एक्स स्क्वायर, इट इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर, बेसिकली मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू रूट 26, मॉड ऑफ ए इक्वल टू रूट 26, तो रूट 26 स्क्वायर 26 इंटू मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू 7, सो 7 स्क्वायर इज 7 स्क्वायर हियर, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 26 इंटू हम यहां पर भी क्या करेंगे कैलकुलेशन को रॉ रखेंगे, एक कंप्लीट कैलकुलेशन ना करके हम छोटी भी कैलकुलेशन को कर रहे होंगे जैसे हमारा टाइम बच रहा होगा। सो 7 इंटू 7 माइनस 35 स्क्वायर मीन्स 35 इंटू 35। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 26 इंटू 7 इंटू 7 एंड 35 इज इक्वल टू 7 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 5। हियर वी टेक कॉमन 7 इंटू 7, बेसिकली यू गेट 7 टू 7 49 इंटू 26 माइनस व्हाट यू गेट 5 इंटू 5 25। सो हियर यू गेट इजिली 49 इंटू 26 माइनस 1 that is equals to 1. Now you get x square is equals to 49. Now what is the value of x is 7. What is the value of x is 7 basically. So here option B is right. If option is plus minus 7 then वो right होता आपका, but यहाँ पर हमारे option में minus value को नहीं indicate किया गया है, so option only option B is right here. So only option B is right. Now दिस इज आर लास्ट क्वेश्चन। आज के डिस्कशन क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, तो बिना आपको पेन का यूज किए सॉल्व करना है। वॉट इज द वैल्यू ऑफ के वैक्टर क्रॉस जे वैक्टर, वॉट इज द वैल्यू ऑफ के वैक्टर क्रॉस जे वैक्टर, कमेंट मी फास्ट, जल्दी से आप इसे कमेंट करें। यस अवनीश विपिन ऑल ऑफ यू आर राइट, ऑप्शन इज बी राइट एंड आंसर इज 7 ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन। नाउ नाउ यस प्रतीक थोड़ा सा फास्ट आंसर किया करें आप। नचिकेत सेज ऑप्शन डी माइनस आई कैप, चेक करते हैं नचिकेत, प्रदीप माइनस आई कैप, यस मुझे लगता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की भी नीड नहीं है, आप इसे बेसिक सर्कुलर अरेंजमेंट से ही सॉल्व कर पाएंगे। यस गोकुल स्वीटी, विष्णु, यस ऑल ऑफ यू राइट, यस हर्षदीप माइनस आई, यस यस प्रथा, यस यस yes yes all of you are right because k cross j i cap j cap and k cap so circular arrangement aapko yaad rakhna hai clockwise aur anti clockwise ka, clockwise aur anti clockwise ka hame circular arrangement ye diagram yaad rakhna hai, so aap ise ratenge nahi, aap ise samajh ke chalenge, so agar hum move karte hain clockwise then we have to use minus sign and jab hum anti clockwise chalenge to hume kya use karna hai plus sign ko use karna hai, so here k cross j means k cross j, so हम कैसे move कर रहे हैं, हम use to move कर रहे हैं clockwise direction में, so we have to take minus sign and k cross j is equals to i, so answer is minus i cap, so option d is right, option d is right, option d is right। आई होप सभी को वेक्टर एलजेब्रा अच्छे से समझ आया होगा, और आपने कॉन्सेप्ट क्लास को देखा होगा और वो भी आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी, सो कैसी थी कॉन्सेप्ट क्लास और आज का डिस्कशन क्लास, एंड कमेंट में प्लीज क्या हेल्पफुल रहा आपके लिए, क्या सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहे हैं, और जो भी आपके डाउट्स हैं, बेसिकली जो भी आपके डाउट्स हैं असाइनमेंट्स के, सो उसे हम नेक्स्ट डिस्कशन क्लास में कंसीडर करेंगे कि आपके सेट के जो डाउट्स हैं, सेट का जो असाइनमेंट है आपका वो भी हम डिस्कशन में रखें, एंड साथ ही साथ जो वेक्टर का आपका डाउट है वो भी हम डिस्कशन में रख लें, ताकि आपके जो दोनों के डाउट्स हैं उसे उसके लिए वरी मत होइए आप वो सभी। थैंक यू रंजन कुमार, थैंक यू रंजन, यस यस अवनीश ऑप्शन डी इज राइट, सो आपके जितने भी डाउट्स होंगे असाइनमेंट से वो हम सारा डिस्कस कर लेंगे अपनी।
ऑसम क्लास सर, थैंक यू नचिकेत। नचिकेत आपने भी काफी आंसर्स दिए हैं। ओके 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 बस, थैंक यू विष्णु, थैंक यू शुभम, यस यस ओके यस यस। असाइनमेंट भी करवा दिए जाएंगे प्रीति, बिल्कुल वरी मत होइए उसके लिए। सभी लोगों को मैंने कहा है आपको रिपीट करने की नीड नहीं है, आप में से किसी एक ने भी बोल दिया है तो हम उसे जरूर सीरियसली लेंगे। इन्फॉर्मेटिव सेशन सर, ओके 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 सर। डायरेक्ट ऐप से डाउट कैसे पूछ सकते हैं टेलीग्राम पर? आप बेसिकली टेलीग्राम पर मैसेज करिए अपने डाउट्स को, पिक भेजिए, सो वहां पर स्टूडेंट ही सॉल्व कर देंगे, अदरवाइज हम लोग भी हैं उसे भी सॉल्व कर देंगे। थैंक सर, कॉन्सेप्ट सीन हाफ ओनली विल सी नाउ। ओके 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 ठीक है, ओके ओके। सर्कम सेंटर और इंसेंट्री बता दिया जाएगा आपको, बेसिकली जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थ्री डी ज्योमेट्री पढ़ रहे होंगे, लाइन एंड प्लेन बेसिकली, देन उसमें हम इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेंगे। ओके है, ओके ओके उससे रिलेटेड, ओके 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 ओके। नेक्स्ट चैप्टर बेसिकली इज थ्री डी ज्योमेट्री, लाइन एंड प्लेन। नेक्स्ट चैप्टर जो भी अशरफ होने वाला है वो लाइन एंड प्लेन पर होगा, बिकॉज वेक्टर अलजेब्रा के बाद लाइन एंड प्लेन, बेसिकली थ्री डी ज्योमेट्री पढ़ना सही रहेगा। और उसके अंदर आपका डायरेक्शन कोसाइन, मैंने कॉन्सेप्ट क्लास में भी कहा हुआ है कि डायरेक्शन कोसाइन और रेशियोज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है LMNR वाला, वो आपका लाइन एंड प्लेन में भी यूज हो रहा होगा। सो आई थिंक आप सभी को अच्छे से समझ आया वेक्टर अलजेब्रा एंड सेट थ्योरी। अब हम मूव करेंगे अपने अगले सेशन में, नेक्स्ट क्लास में। सो आप सभी सुरक्षित रहिए, घर पर रहिए, हेल्दी रहिए और पढ़ाई करते रहिए अपने एग्जाम के लिए। सो मिलते हैं अगली क्लास में, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, गुड नाइट एवरीवन।